बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लाइब्रेरी वॉइस की प्यारी सी फैमिली को मेरा सलाम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं नावल बाजी की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। गुलाब तशक्कुराना निगाहों से दगलु खान को देखने लगा। हम जिंदगी भर आपको दुआएं देते रहेंगे, गुलाब ने कहा और गड्डी को तीन हिस्सों में तकसीम कर लिया गया। और इसके बाद मैं, दगलु खान और बहरोज उन लोगों को कोठी के गेट तक छोड़ने गए। वो बड़ी गर्म जोशी से हमसे बगल गिर हुए तो गुलाब ने आहिस्ता से मुझसे कहा, मंसूर भाई, क्या इसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी? क्यों नहीं गुलाब, मैं अपने हालात बेहतर बना लूँ उसके बाद तुम्हें तलाश कर लूँगा। गुलाब आप दीदा सा हो गया था। बहरतौर वो तीनों पैदल आगे बढ़ गए। हम उन्हें दूर तक जाते हुए देखते रहे। फिर तगलु खान मेरे शाने पर हाथ रखकर अंदर की तरफ चल पड़ा। मंसूर साहब, ये आपकी अपनी इनायत होगी कि मुझे अपने दोस्तों में जगह दे दें, लेकिन अब मेरी हैसियत आपके मुलाजिम की है। तगलु खान की इस बात पर मैं हैरान हो गया। मजाक कर रहे हो तगलु खान? नहीं मंसूर साहब, सच अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे आपके लिए मुलाजिम रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं तुर्की की जेल में था और मुझे वहाँ से निकलने में अभी कई साल बाकी थे। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे थे। वो लोग मेरे इतने दुश्मन थे कि जेल तोड़कर भागना मेरे लिए नामुमकिन था। बड़ी कड़ी निगाह रखी जाती थी मुझ पर और मैं इतने तवील अरसे जेल में कभी नहीं रहा, लेकिन एक शख्स ने हैरत अंगेज तौर पर मेरी मदद की है और मुझे वहाँ से रिहा करा दिया। ये रिहाई दरअसल एक माहदे के तहत हुई थी। वो शख्सियत मुझे अपने वतन भेजने के बाद वहाँ से कहीं और चल पड़ी। मुझे यहाँ आकर उसका इंतज़ार करना था और मैं इंतज़ार करता रहा। बहर सूरत वो शख्सियत जब वापस आ गई तो उसने मुझे अपने अफकार व ख्यालात से आगाह किया। उसने एक शख्स का नाम लिया और बताया कि वो उसके लिए क्या करना चाहती है। मैं इससे मुत्तफिक हो गया और फिर उस शख्स के बारे में मुझे तफसील बताई गई। और मंसूर, उस वक्त मैं शदीद हैरान रह गया जब मुझे पता चला कि वो शख्स तुम हो जिसकी वो शख्सियत आनत करना चाहती है। बहर तौर इसके बाद हम तुमसे मिलने की जद्दोजहद करते रहे और ख़ासे अरसे बाद मालूम हुआ कि तुम्हें मशरक़ वस्ता भेज दिया गया है। चनाचा मुझे तुम्हारी तलाश में रवाना किया गया और शुक्र है कि मैं तुम्हें पाने में कामयाब हो गया। इस सिलसिले में मेरे भाई गौजी खान ने मेरी भरपूर आनत की है और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। ओह, वो शख्सियत कहाँ है? मैंने अभी उससे रबता नहीं कायम किया। तो रबता कायम करो तगलु खान और उससे कहो कि मैं उसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे दो तो मैं सारे काम करके वापस आता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा, यहाँ बहुत से मुलाजिम हैं और सब के सब आपको प्रिंस दिलावर के नाम से जानते हैं। प्रिंस दिलावर? मैंने ताज्जुब से पूछा, मगर ये नाम आपके गैर मौजूदगी में इस नाम को काफ़ी पब्लिसिटी दी गई है और इस नाम से बाकायदा कारोबार भी हो रहा है। मज़ीद तफसील आपको बाद में मालूम हो जाएगी। तुम लोगों ने एक पुरासरार कहानी तरतीब दे रखी है तगलु खान। बहरहाल कहानी कुछ भी हो, मैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हूँ। आप मुतमईन रहें, कोई बात आपके खिलाफ नहीं होगी और अगर कोई बात आपकी मर्ज़ी के खिलाफ हो तो आपको हक हासिल है कि उसे तस्लीम ना करें। मैं बहुत जल्द अपने फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊँगा और बराह रास्त आपको उस शख्सियत के सामने पेश करूँगा जो आपकी पुश्त पनाह है। तुमने 24 घंटे का वक्त लिया है तगलु खान, मैं पूरे सुकून से इंतज़ार करूँगा, मैंने कहा और तगलु खान मुझसे रुखसत होकर चला गया। मेरे जहन में तूफ़ान मचल रहे थे, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। रह रहकर दिमाग बस एक ही सिमत में जाता था, लेकिन प्रोफेसर शेराजी की शख्सियत ऐसी थी कि उसके बारे में गलत नहीं सोचा जा सकता था। ना जाने वो किस हाल में होगा, मेरे लिए उसने जो कुछ भी किया था मेरा रुआ रुआ उसका एहसान मंद था। आने वाले वक्त के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, ना जाने ऊँट किस करवट बैठे। प्रिंस दिलावर का मामला बिल्कुल नया था, तगलु खान एक से एक नई छोड़ रहा था। बहरतौर वो भी एक तरह से मेरा मोहसिन था, समंदर से गौजी खान के चक्कर से निकालना उसी का काम था, वरना गौजी खान जैसे शख्स रहम के जज्बे से आशना नहीं होते। वो एक बार फिर मुझे बादियान पहुंचा देता और फिर हमें ना जाने किन मसाइल में घिर जाना पड़ता। बहरोज़ इमारत की सैर के लिए चला गया था, मैं अपने मखसूस कमरे में बैठा रहा। दफ़तन बहरोज़ तेज़ी से दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आया, उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मंसूर, ये क्या इसरार है? यहाँ के हालात तो बड़े अजीब हैं। क्यों, क्या बात है? मैंने सवाल किया। अंदरूनी कमरे में तुम्हारी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि बयान से बाहर है, ऑयल पेंटिंग है
लेकिन मंजूर ये कहाँ से आई? मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। मैं खुद भी कुछ नहीं जानता बहरोज़, ये इमारत मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। यूं लगता है जैसे कुछ लोग मुझे हैरान करना चाहते हों, लेकिन मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। हमारा नुकसान ही क्या है, हम कौन से किसी के पाबंद हैं? तगलुक ख़ान ने बिलाशुबा हमारी जान बचाई है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी ज़िंदगी उसकी एहसान मंदी में गुजार दें। देखते हैं, अगर कोई काम की बात होती है तो ठीक है, वरना ये तुम्हारा शहर है, जिस तरह चाहो ज़िंदगी बसर करना। बहरोज़ के इन अल्फाज पर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। एक बात बताओ बहरोज़, अगर हालात हमारे मवाफिक ना हुए और तुम्हें भी मेरे साथ परेशानी का वक्त गुजारना पड़ा तो क्या करोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मंसूर, इस बात का जवाब भी तुम ही दे सकते हो, वो अजीब लहजे में बोला। नहीं भाई, मैंने तुमसे सवाल किया है, जवाब तुम्हें देना होगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। अगर तन्हाई हो और कोई साथी ना हो तो इंसान मर जाता है। अगर तुम मुझे अपने साथ ही ज़िंदगी गुजारने का मौका दे दो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। यकीन करो, मेरी दूसरी हैसियत भी तुम्हारी ज़ात पर कभी बोझ नहीं बनेगी। लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा हूँ, जहाँ चाहो मुझे पहुँचा देना। मैं ये ना पूछूँगा कि यहाँ मुझे क्यों भेजा गया है। जो काम मेरे सुपुर्द करोगे या जिस जगह भी लगा दोगे, वहाँ से गर्दन नहीं हटाऊँगा। बाकी रही मेरी दूसरी शख्सियत, तो मंसूर, मैं जो हूँ मुझे वही रहने दो। मेरे ख्याल में लड़की बनकर मेरी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकती है। लड़का बनकर कम अज़ कम मैं महफूज रहूँगा, और मैं तुमसे अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ना तुमसे अलहदा होना चाहता हूँ। मैंने उसका नर्म नाजुक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बहरोज़, मुझे शुरू ही से तुम्हारी शख्सियत पसंद आई थी। यकीन करो कि तुम अगर मर्द होते तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, हरचंद कि तुम अपना बोझ उठाने के काबिल हो, लेकिन इसके बावजूद ये एहसास भी मेरे दिल में रहेगा कि तुम बहरोज़ नहीं बल्कि सादिया हो। जहाँ तक मेरी और तुम्हारी रफाकत का मामला है, तो आओ बहरोज़, वादा करते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक एक दूसरे का साथ देंगे। दोस्तों की हैसियत से हम अपनी जहनी वारदातें कभी एक दूसरे से पोशीदा नहीं रखेंगे। वादा। बहरोज़ ने गर्म जोशी से मेरा हाथ थाम लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल खिल उठे। फिर मैं बहरोज़ के साथ उस कमरे में पहुँच गया जहाँ वो मेरी तस्वीर देखकर आया था। हसीन तरीन कमरे में एक दीवार पर उस तस्वीर को बनवाने में खासी रकम खर्च की गई होगी, लेकिन ये सब कुछ क्यों है और क्या है, और मेरे कर्म फरमाओं में से कौन मेरे साथ ये एहसान अजीम कर रहा है, कुछ समझ में ना आ सका। इसके बाद कोठी के दूसरे हिस्से देखे, एक मुलाजिम को बुलाया तो वो दोनों हाथ जोड़े आंखें झुकाए मेरे नज़दीक आ गया और गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। तुम कब से यहाँ मुलाजिम हो? मैंने सवाल किया। हजूरे वाला, तकरीबन 3 माह से। इससे कबल कहाँ काम करते थे? मैंने पूछा। हजूर वाला, नवाब यूसुफ अली ख़ान साहब के पास, दूसरे शहर में था। वहाँ से मुलाजमत छोड़ दी तो मुझे यहाँ बुला लिया गया। किसने बुलाया था? ये तो मैं नहीं जानता हजूरे वाला, बस दफ्तरी मुलाजमत से मुझे यहाँ भेजा गया था, और फिर यहाँ के मुंतज़िम ने मुझे मेरे मामूलात से आगाह कर दिया। खादिम का नाम फिदा हुसैन है। जो भी खिदमत हो हजूरे वाला, हुक्म फरमाएं। मुलाजिम का लहजा बेहद शाइस्ता था। मैं समझ गया कि वो महज एक मुलाजिम ही है। चनाचा मैंने उसे कॉफ़ी बनाने की हिदायत की और अपने कमरे में पहुँच गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजिम इंतहाई कीमती बर्तनों में कॉफ़ी ले आया। उसने कॉफ़ी सर्व कर दी। रात के तकरीबन 9:15 बजे थे कि तगलुक ख़ान वापस आ गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। बहरोज़ उस वक्त भी मेरे सामने आराम कुर्सी पर दराज था। तगलुक ख़ान को देखकर मैंने गहरी सांस ली और वह मुस्कुरा दिया। मंसूर साहब, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने वो सब कुछ कर डाला जिसके लिए मैंने आपसे 24 घंटे तलब किए थे। ओह, इसका मतलब है कि? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। जी हाँ, वो हजरात तशरीफ़ ले आए हैं जो आपके दोस्त हैं। कहाँ हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। ड्राइंग रूम में तशरीफ़ फरमा है और शर्फ मुलाकात चाहते हैं। मैं उठा और तकरीबन दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम तक पहुँचा। मैंने बहरोज़ को पीछे आने का इशारा कर दिया था। ड्राइंग रूम में जो शक्लें मौजूद थीं वो मेरे लिए ताजुब का बाइस नहीं थी। बारहा उनके बारे में सोच चुका था और जब भी जहन दौड़ाता इन्हीं लोगों की सूरतें निगाहों में आती। गोया यही थे जिन्होंने आज भी मुझ पर एहसान अजीम किया था। सबसे आगे प्रोफेसर शेराजी खड़े थे, उनके बाएं तरफ सुरखाब और दाएं तरफ गुल, और चंद दूसरे अफराद भी थे जो मुअद्दबाना अंदाज में पीछे खड़े थे। प्रोफेसर शेराजी की शख्सियत में मैंने अनोखी तब्दीली देखी। इससे कबल जब भी मैंने उस शख्स को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी जहानत आमेज चमक रहती थी
और चेहरे पर एक मुदब्बिराना मुस्कुराहट। लेकिन आज उसके रंग ढंग ही बदले हुए थे। खूबसूरत तराश के सूट में मलबूस, आंखों में एक शोक सी चमक, होंठों पर एक कामरान मुस्कुराहट। सेहत भी पहले से कुछ बेहतर नज़र आ रही थी और वो बड़े एतमाद से खड़ा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में मोहब्बत उमड़ आई। उसने बेख्तियार दोनों हाथ फैला दिए और मुस्कुराते हुए बोला, ताबे इंतज़ार नहीं, सीने से लग जाओ। मैं अपनी जगह खड़ा रहा और वो चंद कदम आगे बढ़ आया। क्या दिल में कोई उलझन परवरिश पा रही है मंसूर? नहीं प्रोफेसर, बल्कि कुछ सोच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। क्या? प्रोफेसर सवालिया अंदाज में बोला। प्रोफेसर, क्या मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं? ये तो इससे कबल भी बारहा सोच चुके हो और यही फैसला हुआ कि तुम जो कुछ भी हो, प्रोफेसर शेराजी की ज़िंदगी का मकसद बन चुके हो। क्या तुम्हें मेरे खलूस पर यकीन नहीं आया? प्रोफेसर की आवाज़ में एक तमकनत पैदा हो गई। आपके खलूस पर तो भरपूर यकीन है, लेकिन अपनी ज़ात में मुझे हमेशा खोट नज़र आया है प्रोफेसर। मैंने खुद को कभी इस काबिल नहीं समझा कि किसी शरीफ आदमी का एतमाद हासिल कर सकूं। मैं वो नहीं हूं जो आप समझते रहे हैं। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है कि मैं आप जैसे शरीफ लोगों के काबिल नहीं हूं। चनाचा बेहतर ये है कि मैं पीछे हट जाऊं। नहीं, तुम्हारा तजुर्बा अभी महदूद है। प्रोफेसर ने किताबों की दुनिया देखी है, हवादिस की दुनिया देखी है। अगर मेरे इन तजुर्बात की कोई हैसियत है तो तुम मेरे इस तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर सकते कि मैं इंसान को परखने का माहिर हूँ। मैंने तुम्हें जो देखा उसकी अजमत अपने सीने में महसूस की और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। अगर तुम मेरे इस तजुर्बे को शिकस्त देना चाहते हो तो जाओ, प्रोफेसर को मत तस्लीम करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज फैसले का दिन है मंसूर। प्रोफेसर के लहजे में खौफनाक हो राहट पैदा हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो चुका था। मुझ पर हैबत सितारी हो गई और मेरी गर्दन झुक गई। जवाब क्यों नहीं देता? जवाब क्यों नहीं देता? प्रोफेसर आगे बढ़ा और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। फिर उसने एक झटके से खींचकर मुझे सीने से लगा लिया, अपने बाजुओं में भींच लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे तजुर्बात को शिकस्त नहीं दे सकता। प्रोफेसर काफ़ी देर तक मुझे भींचे रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैं शर्मिंदा हूँ प्रोफेसर। नहीं, तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बस यूँ कहो कि ज़िद कर रहे थे मुझसे और आज ये ज़िद हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है मंसूर। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बरपा किया है, तुम्हारे लिए एक कत्ल किया है, प्रोफेसर शेराजी का कत्ल। मैंने उसके तमाम अफकार और ख्यालात को भी कत्ल कर दिया, ये सोचकर कि वो आज तक गलत अंदाज में सोचता रहा है और झूठा है। उसने अपने गिर्द जो खौल तैयार किया है वो एक फरेब है, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। खौल के अंदर के माहौल ने उसे कुछ तहफ़ दे दिया है, लेकिन इस तहफ़ ने उसकी आंखों की बेनाई छीन ली है। मैं उसे कत्ल करके एक ज़िंदगी हासिल करने में कामयाब हो गया। वो नई ज़िंदगी मैंने मंसूर के नाम लिख दी। हाँ मंसूर, मैंने नया प्रोफेसर तुम्हारे लिए जन्म दिया है। मैं भूलकर भी नहीं सोच सकता था कि प्रोफेसर शेराजी इतना जज्बाती हो सकता है। आज तो उसने इंतहा कर दी थी। बहरतौर मैं शुरू ही से इस बात का कायल था कि उन लोगों ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी तहज दी है, लेकिन प्रोफेसर मेरे मामले में इतना जज्बाती होगा इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। आज दिल की हर खलिश मिट गई थी। मैंने एक बार फिर आगे बढ़कर प्रोफेसर को गले लगा लिया और कहा, प्रोफेसर, मंसूर का रुआं रुआं आपका ग़ुलाम है। मंसूर इस मोहब्बत को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करता है, जो आपकी ज़ुबान से, जो आपके बदन से और आपकी आँखों से फूट रही है। बेशक मेरे सीने में तुम्हारे लिए इतनी ही मोहब्बत है मंसूर, लेकिन मैं भी एक खुदगर्ज इंसान हूँ, एक इंतहाई खुदगर्ज, क्योंकि इंसान हूँ और फ़लसफ़ा इंसानियत यही है कि बच्चा भी पैदा होने के बाद माँ से कुछ मांगता है, वो तलबगार रहता है उसकी तवज्जा, उसकी मोहब्बत और उसके अल्तफात का, और यही उसका लालच है। मेरे दिल में भी एक लालच है मंसूर, मैं तुमसे अपनी मोहब्बतों के सिले में कुछ चाहता हूँ। बेशक मैं दूंगा प्रोफेसर, मैंने ठोस लहजे में कहा। तो सुनो, तुम इस बात पर कतई एतराज़ नहीं करोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर चुका हूँ। तुम मुझसे तआवुन करोगे, मैं तुमसे कहूँगा कि उस शख्स को कत्ल कर दो तो तुमसे कत्ल कर दोगे। मैं तुमसे कहूँगा कि फ़लाँ शख्स की ज़िंदगी बख्श दो तो तुम्हें उसकी ज़िंदगी बख्शना होगी। बोलो मंसूर, जवाब दो। ठीक है प्रोफेसर, लेकिन अगर उन लोगों में सेठ जब्बार भी हुआ तो? मैंने सवाल किया। नहीं, सेठ जब्बार कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, प्रोफेसर ने कहा। तो फिर मैं वादा करता हूँ, वो सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। तो सुनो, आज से तुम्हारा नाम मंसूर नहीं बल्कि प्रिंस दिलावर है, प्रोफेसर शेराजी ने कहा। मैं हैरत ज़दा रह गया। फिर मैंने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, मैं आज से प्रिंस दिलावर हूँ। उसी वक्त सुरखाब आगे बढ़ आई, उसके हाथों में एक ऑटोग्राफ बुक थी। उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा,
ऑटोग्राफ प्रिंस। मैं झीपी हुई निगाहों से उसे देखने लगा। देखा प्रोफेसर, मेरा मजाक भी उड़ना शुरू हो गया। नहीं प्रिंस, बराह करम मुझे अपने मद्दाहों में शुमार कीजिए। ऑटोग्राफ प्लीज़, सुरखाब इंतहाई संजीदगी से बोली। मैंने सर खुजाते हुए उसके हाथों से ऑटोग्राफ बुक और पेंसिल ले ली, फिर उस पर प्रिंस दिलावर लिख दिया तो वो बेख्तियार मुझसे लिपट गई। सुरखाब काफ़ी देर तक जज्बाती अंदाज में लिपटी रही। इसके बाद गुल की बारी आई। वो हजीना सी मुस्कुराहट से मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे हाथ मिलाया और पूछा, कैसी हैं गुल? ठीक हूँ, वो आहिस्ता से बोली। जो लोग अकब में खड़े हैं मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। सब के सब हमारे राजदार, बल्कि वो लोग हैं जो मुस्तकबिल में हमारा साथ देंगे, और ये राज सिर्फ इन्हीं तक महदूद रहेगा। आओ मैं तुम्हारे इन लोगों से तारुफ करा दूँ, शेराजी ने कहा, और फिर उन तमाम लोगों से मुझे मुतारिफ कराने लगा। इसके बाद प्रोफेसर शेराजी ने मुस्कुरा कर बहरोज की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हम अपने बहरोज से भी खूब वाकिफ़ हैं, लिहाजा इनके तारुफ की ज़रूरत नहीं पेश आई। इनके बारे में तगलु खान ने हमें तफसील बता दी है। हेलो, सुरखाब ने बहरोज से कहा तो उसने मुस्कुरा कर गर्दन खम कर दी। बैठो भाई, अब ज़रा चाय का दौर चलेगा, प्रोफेसर ने कहा, और हम सब सोफों पर बैठ गए। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था। वो चारों अफराद जिनका तारुफ मुझसे हो चुका था मुअद्दबाना अंदाज में बैठे हुए थे। चाय का दौर चला। सुरखाब बढ़ बढ़कर सबकी खातिर मदारात कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर सुर्खी नमूदार होती जा रही थी, जैसे मुझे दोबारा पाकर बेहद खुश हो। कई बार उसकी शरीर निगाहें मेरी जानिब उठ जाती थीं और वो बेसाख्ता हंस पड़ती थी। मैं कई बार उसके साथ बिला वजह ही हंसा था। ना जाने क्या सोच रही थी शरीर लड़की। बहुत अरसे के बाद दोबारा ज़िंदगी का एहसास हुआ था। बहरोज भी खुश नज़र आता था। मेरे दोस्तों से मिलकर वो बेहद मुतमईन था। बेख्तियार दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इस खुशी की कोई इंतहा ना हो, इस रात की कोई सहर ना हो, बस इन लोगों के दरमियान मुतमईन और मसरूर बैठा रहूं। चाय का दौर ख़त्म हो गया तब उन चारों अफराद ने उठते हुए कहा, हमें इजाज़त मिलेगी मोहतरम? वो प्रोफेसर शेराजी की तरफ मुतवज्जा थे। भाई अब मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो तुम? प्रिंस ही से इजाज़त ले सकते हो, क्योंकि इस वक्त प्रिंस दिलावर की रिहाइशगाह में हो। ओह सॉरी प्रिंस, हमें इजाज़त? वैसे आप जब भी हमें तलब फरमाएंगे हम हाज़िर हो जाएंगे। हमारा पता प्रोफेसर साहब से मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग तशरीफ़ ले जाइए। अभी तो मुझे प्रोफेसर से ये भी मालूम करना है कि मैं प्रिंस कैसे और क्यों कर बना, मैंने हंसते हुए कहा। वो चारों भी मुस्कुराने लगे। फिर वो मुझे सलाम करके चले गए। उनके अंदाज़ में इंतहाई अदब था। यूं लगता था जैसे प्रोफेसर ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया हो। तगलु खान भी बाहर चला गया। अब कमरे में गुल, सुरखाब, प्रोफेसर और बहरोज रह गए थे। हम सब बैठ गए। अब प्रोफेसर ने मेरी तरफ रुख करके कहा, बुरा ना मानना मंसूर, क्या बहरोज हमारी गुफ्तगू में शरीक होंगे? जी हाँ, ये मेरे राजदार हैं और आइंदा भी रहेंगे। मेरा कोई मामला इनसे छुपा नहीं होगा। हम इनकी इस हैसियत को खलूस दिल से कबूल करते हैं, प्रोफेसर ने गर्दन खम करके कहा। प्रोफेसर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये सब कुछ जो मेरे सामने आया है इस कदर हैरतनाक है कि मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। क्या मेरी इस परेशानी को दूर किया जाएगा? यकीनन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। इसके बाद इन तमाम मामलात की तफसील तुम्हें बताई जाएगी। गोया मुझे काफ़ी देर तक ये तजस्सुस बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैंने हंसकर कहा। थोड़ी देर के लिए तुम इन ख्यालात को जहन से निकाल दो और अपनी कहानी वहाँ से शुरू करो जब तुम अचानक ही शहर से गायब हो गए थे। प्रोफेसर जब मैं आपके ज़ेरे साया था और आप मेरे लिए कोशिश कर रहे थे, उन दिनों हमारी मुलाकातें बहुत कम रहीं। फिर आप बग़ैर किसी इत्तला के कहीं चले गए। मैं सुरखाब से मिलता रहा लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ मालूम ना हो सका। जैसा कि आपको मालूम है मेरी जहनी रूह लम्हा लम्हा भटक जाती थी। मुमकिन है अय्याज़ के बारे में सुरखाब आपको तफसील बता चुकी हूँ। मैंने भी आपसे उसका तस्करा किया था। एक सच्चे और मुखलिस दोस्त की हैसियत से अय्याज़ इस वक्त भी और आज भी मेरे लिए मोहतरम है। उसके ज़रिए मैं चमन तक पहुँचा था और चमन ने मेरी भरपूर आनत की। गुल आपका जिक्र यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि आपकी शख्सियत से प्रोफेसर वाकिफ़ हैं। आप चमन के बारे में सब कुछ जानते हैं। बहरतौर अजमत नामी नौजवान की कहानी भी गुल ने आपको सुना दी होगी। मैं इन सारे हंगामों में उलझा हुआ था कि चमन ने मुझसे खिदमत लेना चाही। वो मुझे किसी जगह भेजना चाहता था। उसके एहसानात इस कदर बेपनाह थे कि मैं इनकार ना कर सका और मुझे एक लॉन्च देकर रवाना कर दिया गया। मुख्तसरन ये कि हादसात का शिकार होता हुआ एक जजीरे पर जा पहुँचा जहाँ मुझे एक कैदी की हैसियत से ज़िंदगी बसर करना पड़ी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो जजीरा सेठ जब्बार का है और चमन भी उसी का आदमी है। वो इंतहाई चालाकी से मेरा हमदर्द बनकर मुझ पर निगाह रखे हुए था। शायद उसने सेठ जब्बार से ये वादा कर दिया था कि वो मुझे दुरुस्त कर देगा, लेकिन मैं जजीरे पर कैद ना रह सका
और वहाँ से निकल गया। फिर वहाँ से मैं एक वो जजीरा जो बादियान के नाम से पुकारा जाता है पहुँच गया। बादियान मुजरिमों का जजीरा है और दुनिया का हर जुर्म उस जजीरे पर होता है। वहाँ लाखों बेबस इंसान गुलामों की हैसियत में फरोख्त होते हैं। बहरतौर मैं उस जजीरे से भी निकल आया। बहरोज़ मेरा वहीं का साथी है और फिर रास्ते में तगलुक खान मिला। उसने ये कहानी सुनाई कि वो मेरी तलाश में सरगर्दा था और उसकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये है मेरी कहानी प्रोफेसर। मेरे खामोश होने के बावजूद वहाँ काफ़ी देर तक खामोशी रही और वो लोग इस मुख्तसर सी कहानी से शायद पूरे वाक़यात का अंदाज़ा लगा रहे थे। फिर प्रोफेसर ने लबकुशाई की। कुछ नहीं कहूँगा मंसूर, इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब ये कहानी एक नया मोड़ इख्तियार कर रही है। तुम मंसूर से प्रिंस दिलावर बन गए और मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर एतमाद करते हुए ये नाम कबूल कर लिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था मंसूर। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाओ। जब तुम्हारे हालात मेरे इल्म में आए थे तो मेरा दिल दर्द और अज़ियत से तड़प उठा था। मैं तुम्हारे अंदर की आग को समझ गया था, लेकिन मेरी बेबसी इंतहा को पहुँच गई तो मैंने अपने अफकार में कुछ तब्दीली पैदा की, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा मसला हल नहीं कर सका। इसकी बुनियादी वजह क्या है मंसूर? बुराई की जड़ें इतनी गहराइयों में थीं कि उन्हें चंद लम्हात में खोद फेंकना मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा कि एक शख्स को कत्ल कर देने से या उसे रास्ते से हटा देने से बुराई ख़त्म नहीं हो जाती। चनाचा मंसूर, मैंने एक रास्ता इख्तियार किया। मैंने अपने जहन की वो प्लेट बदल दी जो शुरू ही से मुझ पर हुक्मरान रही थी। मैंने उसका रुख बदला और नए अंदाज में सोचा। तब मुझे कुछ बातें याद आईं और मैं मसरूफ़ हो गया। मैंने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मैं तुर्की गया। वहाँ से मैंने तगलुक खान को अपने खसूसी ताल्लुकात की बिना पर रिहा कराया और उसे कुछ हिदायत देकर यहाँ रवाना कर दिया और ख़ुद दूसरे मामलात में मसरूफ़ रहा, जिसकी तफसील तुम्हें बता दी जाएगी। ये सारे काम करके मैं अपने वतन वापस आया तो पता चला कि तुम मौजूद नहीं हो। मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की, लेकिन ज़्यादा मालूमात हासिल ना कर सका। ताहम चमन थोड़ा सा मेरी निगाहों में आ चुका था। मेरे मखसूस ज़राए ने बता दिया, जिसमें तुम्हारा एक आदमी अजमत भी शामिल है, कि तुम्हें किस तरह रवाना किया गया है, और मुझे खौफ हुआ कि तुम किसी साजिश के शिकार हो गए हो। चनाचा मैंने तगलुक खान को भेजा, जिसके नतीजे में तुम एक बार फिर मुझे मिल गए। प्रोफेसर शेराजी चंद लम्हात के लिए रुका तो मैंने बेसब्री से सवाल किया, लेकिन प्रिंस दिलावर का मामला रह गया प्रोफेसर। उसी मौजू पर आ रहा हूँ मेरे अजीज़। मैंने जो प्लानिंग की थी वो कुछ यूँ है। जब्बार दौलतमंद है ना, उसने अपनी दौलत के बल पर ही अपना शैतानी जाल बिछा रखा है। अगर वो दौलतमंद ना होता तो माहौल पर उसका तसल्लुत ना होता। दौलत की मेरे पास भी कमी नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में मेरा सरमाया लगा हुआ है, लेकिन मैं जिस पैमाने पर काम करना चाहता था उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दौलत दरकार थी। मैं सिलसिले में मिसिस जहांगीर यानी गुल का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रहूँगा, जिन्होंने बड़े खलूस से अपना सब कुछ इस कार्य खैर में सर्व कर दिया। मैं नहीं समझा, मैंने बेख्तियार कहा। हाँ, जहांगीर लिमिटेड ख़त्म हो चुकी है और करोड़ों रुपए की दौलत गुल ने मेरे हवाले कर दी है कि उसे मैं अपने मिशन की तकमील में सर्व कर दूँ। गुल अब हमारे साथ रहती हैं और खुदा का एहसान है कि हम पुरमसरत ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन मैंने शदीद हैरत के आलम में कहा। हाँ हाँ कहो, लेकिन वो सिलसिला क्या है जिसके लिए इतनी बड़ी दौलत हासिल की गई है? सेठ जब्बार के मुकाबले में आने के लिए हमें दौलत दरकार थी। मैंने गैर ममालिक से अपना तमाम सरमाया समेट लिया और यहाँ अपने मुल्क में उसे खर्च करना शुरू कर दिया। मैंने एक प्रिंस दिलावर पैदा किया जिसके नाम से बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो खुद अभी तक तारीकी में है। आला हुकाम सरकारी तकारीब में और बड़े बड़े सरमायादार घरेलू तकारीब में प्रिंस दिलावर के नाम से दावतनामे जारी करते हैं, लेकिन प्रिंस किसी से नहीं मिलता। वो अपनी फैक्ट्रियों, अपने कारखानों, अपनी मिलों में भी नहीं जाता। उसने बहुत कुछ कराया है जो तुम यहाँ अपनी आँखों से देखोगे, लेकिन अभी तक कोई उसका सूरत आशना नहीं है। प्रिंस दिलावर एक पुरासरार नाम है, लेकिन वो जो कुछ कर चुका है उसने उसे बड़ी हैसियत दे दी है। सरकारी हुकाम उसके एक टेलीफोन पर सब कुछ करने के लिए आमादा हो जाते हैं, और सेठ जब्बार बेचैन है। वो खुद भी प्रिंस दिलावर की तलाश में है और अक्सर उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर रबते कायम करता रहता है, लेकिन वो अभी तक प्रिंस दिलावर की तस्वीर तक नहीं देख सका। मुल्क के बड़े बड़े सरमायादार अपनी मीटिंग्स में ज़्यादातर वक्त प्रिंस दिलावर की बातें करते हुए गुजारते हैं। प्रिंस दिलावर ने अभी कारोबारी हिस्से को टच नहीं किया, बस वो सामाजिक काम कर रहा है और उसकी मिलें और कारखाने प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन मुझे तुम्हारा इंतज़ार था मंसूर, ताकि तुम्हारे आ जाने के बाद प्रिंस दिलावर को मंजर आम पर ला सकूँ। समझ गए मंसूर, सेठ जब्बार के लिए इससे बड़ा ताज़ियाना और कोई नहीं हो सकता। हमारे जहन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हमने अपना सरमाया नेक मकासद के लिए वक्फ कर दिया है। ये तमाम दौलत
और तुम्हारा तमाम कारोबार सेठ जब्बार की साजिशों को नाकाम बनाएगा, उसकी चोर बाजारी और स्मगलिंग ख़त्म कर देगा। इसके लिए मैंने, गुल ने और हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा मंसूबा तैयार किया है। एक पूरा सेक्शन है मंसूर जो इस मंसूबे पर काम कर रहा है। इसमें आला तरीन माहरीन हैं जो तमाम कारोबारी अमूर से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं। सेठ जब्बार को शिकस्त देने के लिए, उससे अपनी तमाम तकालीफ का इंतकाम लेने के लिए इससे बेहतर हथियार और कोई नहीं हो सकता कि उसे कोड़ी कोड़ी को मोहताज बना दिया जाए और उसे गंदी नालियों तक पहुंचा दिया जाए। मैंने ये जुर्म कर डाला है क्योंकि नेकी के रास्ते मेरे मुआवन नहीं बन सके। प्रोफेसर शेराजी का चेहरा सुर्ख हो रहा था और मैं सकते के से आलम में उसे देख रहा था। ये कैसा इंसान था, ये कैसे लोग थे। वो तमाम भरम जो चमन ने तोड़ दिया था एक बार फिर से कायम हो गया था। लोग किसी के लिए यूं भी जान दे देते हैं, लोग किसी के लिए इस तरह भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। और क्या मिल सकता था मुझसे प्रोफेसर शेराजी को? मैं कौन था? एक गंदी सी बस्ती और गंदे से मोहल्ले का रहने वाला मामूली सा नौजवान। मेरे जैसे करोड़ों नौजवान ना जाने कैसी कैसी अजियतों का शिकार होकर बेबस हो चुके होंगे, दम तोड़ चुके होंगे। उनके अंदर कोई अना जिंदा ना होगी, उनकी अपनी ज़िंदगी एक ज़ख्म होगी। लेकिन तकदीर ने मुझे क्या कुछ दे दिया है, कितने हमदर्द दिए हैं मुझे, और इन सब को ना पाकर मुझे कैसे कैसे एहसासात से गुजरना पड़ रहा था। मैं रोना चाहता था लेकिन मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे। बस शिद्दत जज्बात से मेरे पूरे बदन में कपकपाहट सी तारी थी। प्रोफेसर शेराजी मेरे इस इंतजार को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरे बाजू पर हाथ रख कर कहा, इसे अपने लिए एहसार ना समझो मंसूर, ये सब कुछ हमने अपनी ज़िंदगी के लिए किया है। जिनकी मौत हमारी अपनी मौत होती, कोई मंसूर को रास्ते का पत्थर क्यों बना दे। हम जिंदा हैं, हम उसे ज़िंदा रखेंगे, हम उसे इंसान समझने पर मजबूर करेंगे। यही हमारा नसीबुल्लैन है क्योंकि मंसूर भी इंसान है। तुम हमारी उम्मीदों का मीनार हो, अगर ये रोशनी बुझ गई तो हम कलाश हो जाएंगे। दौलत का क्या है, आनी जानी चीज़ है। इंसान को बस इतनी ज़रूरियात ही तो पूरी करनी होती हैं, दौलत उसका कहाँ तक साथ देती है। मौत के बाद तो दौलत एक बेकार चीज़ है, तो हम इस बेकार चीज़ को अपनी तजोरियों में भरकर क्यों ज़ाया करते। हमने इसका एक सही मसरफ दरियाफ्त कर लिया है, तुम्हें उसका टाइटल बना दिया है। मंसूर तुम जहनी इंतशार ख़त्म कर दो और हमारे साथ मुकम्मल तआवुन पर आमादा हो जाओ। मैं खामोशी से प्रोफेसर को देख रहा था। ये अजीम इंसान मेरे सामने पहाड़ बन चुका था और इस पहाड़ के सामने मैं एक हकीर ज़र्रा था। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। गुल भी बिल्कुल मेरे नज़दीक ही बैठी थी, दूसरी तरफ सुरखाब थी। बहरोज़ मेरे सामने था और इन तमाम बातों को सुनकर वो शशदर रह गया था क्योंकि उसे मेरी पूरी कहानी मालूम थी। तब गुल मेरी जानिब झुकी और बोली, मंसूर खामोश क्यों हो? मैं क्या कहूँ गुल, बस ये सब कुछ तस्लीम कर लो। इस बात को अपनी ज़ात पर एहसान क्यों समझते हो मंसूर? उस एहसान का मैं तुम्हें क्या सिला दूँ जो तुमने मुझ पर किया था? नहीं गुल, नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने जवाब दिया। तो फिर तुम पर भी हमने कोई एहसान नहीं किया मंसूर, ये तो एक मंसूबा है और तुम इसमें एक मुआवन की हैसियत रखते हो। हाँ मंसूर भैया, आप इन तमाम बातों पर इतना ना उलझें, मैं तो बड़ी सनसनी महसूस करती रही हूँ। यकीन करें, एक एक लम्हा मैंने आपके इंतज़ार में काटा है, बड़ा शदीद इंतज़ार किया है मैंने। सोचती थी कि जब आप आ जाएंगे तो कहानी में कुछ और सनसनी पैदा हो जाएगी। जब पहली बार प्रिंस दिलावर को कहीं देखा जाएगा तो लोग ना जाने उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। बड़ी अनोखी दास्तानें हैं प्रिंस दिलावर की। यूं समझें कि एक शोभा प्रिंस दिलावर की तशहीर के लिए भी मखसूस है। हम लोगों ने बड़ा दिमाग खपाया है इस सिलसिले में। सेठ जब्बार को हमने नाकू चने चबा दिए हैं। हम उसे मजबूर कर देंगे कि वो अम्मी और फरीदा को लेकर खुद हमारे पास पहुँचे, वरना। सुरखाब ने कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा मेरी प्यारी बहन, तुम लोग मेरे लिए ना जाने क्या हो, मेरे पास इजहार के लिए अल्फाज नहीं हैं। बस बस, खुदा करे तुम्हें ये अल्फाज कभी ना मिलें ताकि तुम अहमकाना बातें ना कर सको, प्रोफेसर शेराजी ने कहा और हम लोग मुस्कुराने लगे। मेरे जहन से बोझ हल्का हो गया था और तबीयत में अजीब सी एक जोलानी उभर रही थी। तो हम लोगों के लिए क्या हुक्म है प्रिंस दिलावर? आप हमें अहकामात देना शुरू कर दें, थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर शेराजी ने कहा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, बताएं कि मुझे क्या कुछ करना होगा, मैंने कहा। बताएंगे भाई, ज़रूर बताएंगे। क्यों गुल? प्रोफेसर ने लेडी जहांगीर की तरफ देखा। यकीनन, लेडी जहांगीर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। अरे हाँ, एक बार तो हम तुम्हें बताना भूल गए, ये लेडी जहांगीर जो है ना, ये कभी होंगी लेडी जहांगीर, अब तो ये हमारी गुल है, सुरखाब की बड़ी बहन, समझे तुम?
ये सुनकर बेहद खुशी हुई। मैंने पुरमोहब्बत अंदाज में गुल को देखते हुए कहा और फिर चौंक कर पूछा, गुल वो अजमत कहाँ है? तुम्हारी एक फर्म में मैनेजर लगा हुआ है और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा है। और अय्याज़? मैंने सवाल किया। अय्याज़ का पता नहीं, वो इस दौरान कभी मिला ही नहीं, बल्कि मैंने एक दो बार उसके बारे में अजमत से पूछा तो उसने भी यही जवाब दिया कि अय्याज़ के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं है। ओह, वो मेरे साथ गया था, लेकिन जमन उसे वहाँ से वापस ले आया। जज्बाती नौजवान था, कहीं कोई हरकत ना कर बैठा हो, खुदा करे वो जिंदा हो, मैंने तशवीश से कहा। उसके बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे, बल्कि ये काम भी तगलुक खान ही के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यकीनन यकीनन, तगलुक खान आज भी चमन का दोस्त है, मेरा ख्याल है वो अय्याज़ के बारे में ज़रूर मालूम कर लेगा। हाँ यकीनन, प्रोफेसर शेराजी ने जवाब दिया। तो फिर प्रोफेसर, आप मुझे कब से पढ़ाना शुरू करेंगे? भाई मेरा ख्याल है आज की ये गुफ्तगु काफ़ी है, हमें बहुत ज़्यादा जज्बाती मराहिल से गुजरना पड़ा है और हमारे दिमाग की चोलें हिलकर रह गईं। चनाचा बाकी वक्त तफरीही गुफ्तगु के लिए मखसूस कर दिया जाए और कल सुबह नाश्ते के बाद तुम्हें मज़ीद तफसीलात बता दी जाएंगी। इंतहाई मुनासिब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई बहरोज़ मियाँ, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, मुझे खुशी है कि मैंने एक पूरा ख़ानदान हासिल कर लिया, वरना इससे पहले महज एक गोशा नशीन किस्म का बूढ़ा प्रोफेसर था और मेरा ख़ानदान बहुत मुख्तसर था। मैं था और मेरी बेटी सुरखाब थी। इसके बाद खुदा ने मुझे एक बेटा दिया और इसके बाद एक बेटी दी, फिर इतने बहुत से लोग दे दिए कि मैं खुद भी हैरान रह गया। अब मैं अपने ख़ानदान के साथ बहुत खुश हूँ और अब तो यूँ लगता है जैसे एक बेटा और बढ़ गया हो। प्रोफेसर शेराजी ने बहरोज़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा और बहरोज़ अपनी जगह से उठ गया। वो शर्माता और झिझकता हुआ प्रोफेसर के पास पहुँचा तो उन्होंने मोहब्बत से उसकी गर्दन में बाहें डालकर उसे अपने पास बिठा लिया। हमारे नए बेटे बहरोज़ का कहाँ से ताल्लुक़ है मंसूर? मिस्री नजाद है, मैंने जवाब दिया। उर्दू तो खूब समझ लेता है, मैंने बोलते हुए भी सुना है, प्रोफेसर ने कहा। हाँ इसने मुझसे बाकायदा उर्दू सीखी है, मेरा मकसद है मुझे देखकर ये बोलता रहा है, मगर इतने से दिनों में किसी दूसरी ज़बान पर अबूर हासिल कर लेना बड़ा मुश्किल है जो बहरोज़ ने इतनी आसानी से सर अंजाम दे दिया। बहरोज़ इंतहाई ज़हीन और ज़ेरक नौजवान है, आप इसकी सलाहियतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सुरखाब और गुल भी उस खूबसूरत नौजवान में दिलचस्पी ले रही थी, शायद उन्हें बहरोज़ का शर्माया शर्माया अंदाज बेहद पसंद आया था। हाँ भाई मंसूर, तुम हमें बहरोज़ की कहानी सुनाओ। बहरोज़ की दास्तान भी अलमिया है प्रोफेसर, मैंने कहा और फिर बादियान के बाकी वाक़यात भी सुना दिए। बहरोज़ की कैफियत, उसकी कारकर्दगी और उसके भाई की दास्तान उन लोगों को सुनाई तो वो बहुत गमज़दा हो गए। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर कहा, जो कुछ हो चुका बेटे उसे भूल जाओ और हम लोगों को अपना अहले ख़ानदान तसव्वुर करो। हम तुम्हें इस बात का यकीन तो नहीं दिला सकते कि तुम्हारे लिए हमारे दिल में कितनी जगह पैदा हो गई है, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त तुम्हें हमारी ज़ात से मायूस नहीं करेगा कि तुम इस ख़ानदान में पूरी तरह जम हो जाओगे और कुछ दिन बाद हमें खुद से अलग नहीं समझोगे। बहरोज़ ने जज्बाती अंदाज में प्रोफेसर का हाथ थाम लिया और लरसती हुई आवाज़ में बोला, मुझे मुकम्मल यकीन है जनाब, मैं आप पर बेपनाह एतमाद करने लगा हूँ। मंसूर जिस कदर शरीफ़ुल नफ्स हैं, मुझे यकीन है कि इनके मुरब्बी भी ऐसे ही होंगे। और फिर मंसूर मुझे आपके बारे में पहले भी बता चुके हैं, मैं तो इसे अपनी बेपनाह खुशबख्ती समझता हूँ कि मुझे आप लोगों का कुर्ब हासिल हो गया। फिर ये जज्बाती गुफ्तगू ख़त्म हो गई और हम सब अपने जहनों से इस गुफ्तगू का असर ज़ायल करने लगे। फिर मैंने सुरखाब से कहा, मैं अय्याज़ के लिए परेशान हूँ सुरखाब, ना जाने वो किस हाल में है, उसके बारे में मालूमात किस तरह हासिल होंगी। मेरा ख्याल है गुल, आप अजमत को मेरे पास भेज दें, मैंने कहा। गुल उलझे हुए अंदाज में प्रोफेसर को देखने लगी तो उन्होंने फ़ौरन कहा, अभी नहीं मंसूर, तुम्हें इंतहाई सब्र से काम लेना होगा। जो खेल मैंने शुरू किया है उसे सही अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, जहाँ जज्बाती हुए खेल बिगड़ जाएगा। मैं समझा नहीं प्रोफेसर, मैंने हैरत से कहा। मंसूर तुम तो अब हमसे भी नहीं मिलोगे, अजमत तो दूर की बात है, हम भी तुमसे आज़ादाना नहीं मिलेंगे। ये दूसरी बात है कि तुम प्रिंस दिलावर की हैसियत से मुतारिफ़ होगे तो हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ जाएं, तब हम तुमसे मिलते रहेंगे, वरना दूसरी सूरत में तो प्रिंस दिलावर हम जैसे लोगों को घास भी नहीं डालता। मेरा मतलब समझ रहे हो ना, सेठ जब्बार को बावर कराने के लिए कि तुम प्रिंस दिलावर हो और मंसूर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सब का अलग थलग रहना बेहद ज़रूरी है। लेकिन मैंने कुछ और इंतज़ाम भी कर लिए हैं, मसलन एक मखसूस फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर जो तुम्हारे बेडरूम में नस्ब है,
और उसका एक रिसीवर और स्पीकर मेरे बेडरूम में है, वहाँ से हम आपस में रابطہ रखेंगे। वेरी गुड, मैं वो बेडरूम देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। अभी कहाँ से? अभी तुम अपनी कोठी में जाओ जिसमें तुम्हारा कयाम है। क्या मतलब? मैंने मुताहिराना अंदाज में कहा। मतलब ये कि ये कोठी तुम्हारी बहुत सारी कोठियों में से एक है और तुम्हारा कयाम यहाँ नहीं है। तगलुक खान जैसे लोग इन कोठियों में रहते हैं, तुम्हारी रिहाइश गाह तुम्हें दिखा दी जाएगी। अभी चंद रोज़ प्रिंस दिलावर मंजरे आम पर नहीं आएंगे, बल्कि अभी उनकी सिर्फ तशहीर होती रहेगी। मसलन कुछ शादियाँ होंगी जो प्रिंस दिलावर के सरमाए से होंगी, कुछ बच्चों को वजीफे मिलेंगे जो प्रिंस दिलावर देंगे। ये तमाम तफसील अखबार में छपेगी और लोग प्रिंस दिलावर की तलाश में निकल पड़ेंगे। उनमें ज़रूरतमंद भी होंगे, और वो भी जो प्रिंस दिलावर के बारे में तजस्सुस रखते हैं। मुझे यकीन है कि सेठ जब्बार के हरकारे प्रिंस दिलावर के इर्द गिर्द फैल जाएंगे और उसके बारे में तमाम तर मालूमात जब्बार को फराहम करेंगे। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया, फिर गहरी अकीदत से कहा, आप अजीम हैं प्रोफेसर, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे हमेशा ज़िंदा रखा है और आपकी यही ख्वाहिश रही है कि मेरी ज़िंदगी पर कोई बोझ ना पड़े। बहरतौर मैं आपके हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ। उस नई कोठी में बहरोज़ तुम्हारे साथ रहेगा और हम तुमसे राबता कायम करते रहेंगे। और अब आराम करो, प्रोफेसर ने कहा और उठ गया। बहरोज़ अपनी ख्वाबगाह में चला गया। तन्हाइयाँ हमेशा ही ख्यालात का ख़जाना होती हैं। मैं प्रोफेसर के बारे में सोचता रहा। मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ज़रा सी बात के लिए अपना तन मन और धन सब कुछ लुटा देते हैं। प्रोफेसर ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। लेडी जहांगीर ने भी मेरे लिए ज़बरदस्त एहसार किया था। ये तस्वुर सीने में ठंडक का बायस था और इस ठंडक को दिल में बसाए मैं गहरी नींद सो गया। सुबह नाश्ते के बाद प्रोफेसर वगैरह चले गए, सिर्फ बहरोज़ मेरे पास रह गया। वो खामोश था। हम लोग तगलुक खान का इंतज़ार कर रहे थे। जब यह खामोशी तवील हो गई तो मैंने कहा, कमाल है बहरोज़, तुमने तो ना बोलने की कसम खा रखी है। नहीं चीफ, कुछ सोच रहा था, बहरोज़ ने कहा। क्या सोच रहे थे? ऐसे मासूम और सच्चे लोगों से मैं अपनी शख्सियत छुपा कर खुद को जलील महसूस कर रहा हूँ। वो मुझसे सच बोलते रहेंगे और मैं उनसे झूठ बोलता रहूँगा, क्या ये मुनासिब होगा? बहरोज़ ने सवाल किया। यार इस तरह तो मेरी पोजीशन भी ख़राब हो जाएगी, मैंने कहा। अगर मैं अब बताऊँगा कि बहरोज़ लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो ये सच्चे लोग सोचेंगे कि मैंने उनसे सच नहीं बोला। तो मैं एक झूठ और बोलकर तुम्हारी पोजीशन साफ किए देता हूँ। मैं सुरखाब या गुल को बताऊँगा कि मैं दरहकीकत क्या हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि मैंने खुद को मंसूर से छुपाए रखा है। मैं उनसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि मेरी शख्सियत के बारे में ना बताया जाए, वरना मैं उनके साथ ना रह सकूँगा। देखता हूँ क्या होता है, बहरोज़ ने कहा। बड़ी अजीब सी पोजीशन हो जाएगी, कोशिश कर लो। मैं किसी कीमत पर नहीं चाहूँगा कि तुम्हारे ज़मीर की सच्चाई मुतासर हो। मैं सुरखाब को बताऊँगा कि आज तक तुम मेरे वजूद के इस पहलू से नावाकिफ रहे हो। 11 बजे तक हम बातचीत करते रहे और फिर उस वक्त ये सिलसिला मुनकता हुआ जब एक मुलाजिम ने तगलुक खान के आने की इत्तला दी। तगलुक खान के साथ एक और शख्स भी था। ये एक दराज कामत नौजवान था। उसने अदब से झुककर मुझे सलाम किया और बादब खड़ा हो गया। ये नाज़िर हैं प्रिंस, आपकी खिदमत में भेजे गए हैं। मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी शख्सियत ज़रा मशकूक सी है। नाज़िर आपको प्रोफेसर के कहने के मुताबिक वो सब कुछ समझा देंगे जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं लिबास तब्दील कर लूँ फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैंने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। बहरोज़ दूसरे कमरे में था। उसके पास जाकर मैंने उसे तफसील बताई और बहरोज़ ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। मैं कपड़े तब्दील करके नाज़िर के साथ बाहर निकल आया। तगलुक खान को मैंने हिदायत कर दी थी कि बहरोज़ के आराम का ख्याल रखे। उसके बाद मैं और नाज़िर एक कार में बैठकर चल पड़े। रास्ते में खामोशी ही रही थी। फिर एक अजीमुशान अस्पताल के सामने नाज़िर ने कार रोकी और बोला, जनाबे आली, आप ये अस्पताल देखना पसंद फरमाएंगे? क्या मतलब, मैंने ताज्जुब से कहा। आपने शायद ऊपर लगे हुए बोर्ड पर गौर नहीं किया प्रिंस, नाज़िर ने कहा। मेरी निगाहें बेख्तियार ऊपर उठ गईं। अस्पताल पर प्रिंस दिलावर हॉस्पिटल लिखा हुआ था। मैंने अस्पताल की वसी अरीज़ इमारत पर निगाह दौड़ाई। नाज़िर मुझे अस्पताल के बारे में बता रहा था। उस अजीमुशान अस्पताल का एक हिस्सा उन गरीब लोगों के लिए मखसूस था जो अपना इलाज नहीं करा सकते। यहाँ उन्हें हर तरह की सहूलतें मुहैया थीं। हुक्म फरमाए जनाबे आली, अस्पताल को अंदर से भी देखेंगे? नहीं, अभी नहीं, मैंने जवाब दिया और नाज़िर वहाँ से चल पड़ा। उसके बाद नाज़िर ने मुझे एक बहुत बड़ी इमारत दिखाई जो यतीम खाने की इमारत थी। यतीम खाना भी मेरी ही दौलत से तामीर हुआ था। कुछ और ऐसी चीज़ें जो खैराती इदारों की हैसियत रखती थीं और प्रिंस दिलावर के सरमाए से चल रही थीं।
और उसके बाद प्रिंस दिलावर की कोठियाँ, दूसरी जायदादें, मिलें और कारखाने दिखाए। सब के सब प्रिंस दिलावर के नाम से मशहूर थे। बहुत बड़ी आयरन फैक्ट्री बनाई गई थी और ना जाने क्या कुछ था। मैं प्रोफेसर शेराजी के बारे में सोच सोच कर दंग होता रहा। प्रोफेसर शेराजी इतना दौलतमंद होगा, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। उसने और गुल ने मुझे ना जाने क्या से क्या बना दिया था। क्या मैं इन तमाम चीज़ों को संभालने का अहल हूँ? क्या मैं वो शख्सियत बरकरार रख सकता हूँ जो इन लोगों ने मेरी बना दी है? मैं सोच रहा था। तकरीबन 3 बजे तक हम सिर्फ सैर करते रहे और उसके बाद वहाँ से नाजिर मुझे एक अजीमुशान कोठी में ले गया जिस पर प्रिंस दिलावर की नीम प्लेट लगी हुई थी। ये कोठी क्या थी, उसे महल कहा जा सकता था। इंतहाई खूबसूरत इमारत थी जिसका ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मैं पोर्च में उतर गया लेकिन सदर दरवाजे में बहरोज़ को देखकर मेरा मुंह ताजुब से खुला रह गया। बहरोज़ मुस्कुराया आगे बढ़ आया और मायने खेज अंदाज में बोला, प्रिंस आपने तो मुझे भी धोखे में रखा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं बहरोज़, मैंने कहा। आप इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक होंगे प्रिंस, मैं नहीं जानता था। अलबत्ता जो फराख दिली मैंने बादियान पर महसूस की थी, मुझे उसी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि आप मामूली शख्सियत के मालिक नहीं हैं। ज़ख्मों को ना कुरे दो बहरोज़, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था। मुझे तो अपना छोटा सा मकान पसंद था। उसका माहौल आज भी मेरे लिए इस अजीम शान कोठी से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे मेरी माँ और बहन मिल जाएं, तो मैं इस कोठी से ज़्यादा उस झोंपड़ी में खुश रह सकता हूँ। बहरोज़ ने गर्दन झुका ली, उसके होंठों की मुस्कुराहट ख़त्म हो गई थी और फिर हम दोनों अंदर चल पड़े। मैंने महसूस कर लिया था कि मेरी वजह से बहरोज़ भी गमज़दा हो गया है। चनाचा मैंने मूड बदलने के लिए कहा, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तगलुक खान ने कहा कि शिफ्टिंग कर ली जाए और प्रोफेसर का भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी कहा कि आज से प्रिंस अपनी कोठी में मुंतकिल हो जाएंगे, चनाचा मैं भी यहाँ पहुँच जाऊँ। सुरखाब वगैरह से फ़ोन पर बातचीत हुई? नहीं, मैंने उनके बारे में मालूम नहीं किया। बहरतौर मुझे इस बात का अफसोस है कि हालात की वजह से मैं उन लोगों से नहीं मिल सकूँगा, मैंने कहा और मुलाजमीन से अपने ख्वाबगाह मालूम करके वहाँ चला गया। ख्वाबगाह क्या थी? एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके दरमियान बिस्तर लगा हुआ था। एतराफ़ में ऐसी ऐसी कीमती और नायाब चीज़ें मौजूद थीं कि बयान से बाहर है। अटैच बात था, उसमें दाखिल होकर देखा तो देखता ही रह गया। जदीद तरीन बाथरूम था। इस महलनुमा कोठी को देख कर मेरे एहसाब जवाब देते जा रहे थे। मैं प्रोफेसर का मकसद समझता था। वो सेठ जब्बार को मेरे सामने एहसास कमतरी का शिकार बनाना चाहता था और फिर जब दरहकीकत सेठ जब्बार मेरी असलियत से वाकिफ़ होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। मुझे भी इन तमाम चीज़ों को निभाना था, वरना प्रोफेसर की तमाम मेहनत रायगां चली जाती। मैं अपनी मसहरी पर आकर लेट गया और छत को देखते हुए ना जाने क्या क्या मंसूबे बनाता रहा। रात को तकरीबन 11 बजे प्रोफेसर से मुलाकात हुई। वो तन्हा ही आया था, बहरोज़ आराम करने जा चुका था। प्रोफेसर मेरे ख्वाबगाह में मेरे पास आ गया। हेलो मंसूर, क्या बात है, कुछ मुजमहिल नज़र आ रहे हो। हाँ प्रोफेसर, वो सब कुछ देख कर आया हूँ जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, बहुतों के लिए। ख्वाह मख्वाह तुम इस एहसान को सिर्फ अपनी गर्दन पर लेते हो, प्रोफेसर ने कहा। अब तुमने ये तमाम चीज़ें देख ली हैं तो उन्हें पूरी तरह समझ भी लो। कल कुछ लोग तुमसे मिलने आएंगे, ये सब तुम्हारे मिलों, कारखानों, फैक्ट्रियों के अहदेदार होंगे। तुम उनसे प्रिंस दिलावर की हैसियत से मिलोगे और उन्हें ज़रा भी किसी बात का शुबा नहीं होने दोगे। ये तमाम लोग वो होंगे जो तुम्हारे साफ सुथरे कारोबार को चला रहे हैं। मैंने प्रिंस दिलावर को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है मंसूर। एक वो प्रिंस दिलावर जो खुदा तर्स और नेक इंसान है और समाजी और माशर्ती अमूर में भरपूर दिलचस्पी लेता है, दिल खोल कर ज़रूरतमंदों की मदद करता है, और दूसरा प्रिंस दिलावर बड़ा स्मगलर है। सैकड़ों जराइम पेशा लोग उसके मुलाजिम हैं और उसकी अनगिनत लॉन्चें चलती हैं जो गैर कानूनी काम करती हैं। लेकिन प्रोफेसर, हम स्मगलिंग का कारोबार क्यों कर रहे हैं, मैंने सवाल किया। मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ मंसूर, लेकिन महसूस कर रहा हूँ कि अभी कुछ बताना बाकी है। इस वक्त तुम मुझसे मेरी इन तमाम काविशों का मुकम्मल मकसद समझ लो, इसके बाद यकीनन तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ मंसूर, कि सेठ जब्बार के ख़िलाफ़ मैंने जो कुछ करना चाहा उसमें मुझे काफ़ी नाकामियाँ उठानी पड़ी। हरचंद के अरबाब इक्तदार मेरी इज्जत करते हैं, उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, लेकिन महसूस हुआ कि हर शख्स किसी न किसी तरह बेबस हो जाता है। सेठ जब्बार ने ऐसा जाल फैला रखा है कि जो शख्स भी हमारे लिए कुछ करना चाहता है वो दूसरी जगह दब जाता है। जब मैंने महसूस किया
कि वो लोग जो आम हालात में मेरे लिए सब कुछ करने पर आमादा हो जाते थे, सेठ जबार के मामले में बेबस हो जाते हैं। तो मैंने तज्जिया किया कि ऐसा क्यों है। तब मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ दौलत लुटाने से कुछ नहीं होता। आप दौलत के अंबार पर बैठ जाएं, जो दिल चाहे और जिस तरह दिल चाहे खर्च करते रहें, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रकम अपने नामो नमूद की खातिर खर्च करें तो यकीनी तौर पर तो उसका रद्दअमल होता है। चनाचा मैंने फैसला किया कि ये तमाम दौलत के अंबार जो मेरे वजूद पर ढेर हैं, बेकार पड़े हुए हैं, मैं इनका सही मसरफ क्यों ना तलाश करूं। सुरखाब से मशवरा किया, खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरी बेटी मेरी ही जैसी सोच रखती है। उसने गुल के बारे में कहा था कि मैं अगर मुनासिब समझूं तो लेडी जहांगीर को भी इन मामलात में शरीक कर लूं। फिर जब मैंने लेडी जहांगीर को अपने ख्यालात बताए तो वो बड़ी अजीब औरत साबित हुई। उसने मुझसे पहले वो पेशकश कर दी जो मेरे जहन में पहले ही थी, यानी उसने अपना रुआं रुआं इस नए काम के लिए वक्फ कर दिया। और अब ये सब कुछ हमारे सामने है। मकसद हमारा सिर्फ यही है कि जहाँ नेकी का मसला हुआ, हम इंसानों से नेकी और मोहब्बत करेंगे। जाहिर है ज़रूरतमंदों के लिए ही तो है हमारा ये सब कुछ। लेकिन जहाँ तक सेठ जब्बार और उन जैसे दूसरे सेठों का ताल्लुक है, तो हम स्मगलिंग करेंगे, अशिया मंगवा कर उन्हें ज़खीरा कर देंगे। और उस वक्त जब सेठ जब्बार जैसे लोग मार्केट में उन अशिया को फैलाएंगे, बाहर भेजेंगे या उनसे कुछ भी फ़ायदा उठाएंगे, तो हम कुछ खर्च करके उन साजिशों को नाकाम बनाएंगे, उन्हें ऐसे नुकसान से दोचार करेंगे कि वो तबाह हो जाएं। तो मेरा मकसद समझ रहे हो ना, हमने एक सेक्शन इसके लिए तैयार किया है कि हमारा कारोबार हुकूमत की निगाह में साफ़ सुथरा रहे। प्रिंस दिलावर के नाम से जो सामाजिक काम किए गए हैं वो सच्चाई पर मबनी हैं। बेशक हम उनके ज़रिए, उन इदारों के ज़रिए अवाम की भलाई के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक मकसद ये भी है कि प्रिंस दिलावर हुकूमत की निगाहों में नेक नाम रहे। सेठ जब्बार की तरह हम भी हुकूमत के अहम लोगों को अपना हमनवा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन पर से सेठ जब्बार के असरात जायल कर दें। ये तो हुई हमारी पहली कोशिश। इसके अलावा एक और ख़ास काम भी है जिसके लिए मैंने तगलू खान को साथी बनाया है। वो काम ये है कि समंदर के रास्ते से सेठ जब्बार का माल आता है, उसे या तो रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए या फिर उसे अपनी तहवील में ले लिया जाए। तुम समझ रहे हो ना मंसूर, प्रोफेसर शेराजी ने कहा। मैं बेहद ताज्जुब से प्रोफेसर को देखता रहा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेशक प्रोफेसर, मुझे हैरत के साथ साथ खुशी भी है कि आप मुझसे मुत्तफिक हो गए। बहरहाल आपने या गुल ने जो कुछ मेरे नाम से किया है या मेरे लिए किया है, वो ना सिर्फ मेरी ज़ात पर बल्कि आपकी अपनी ज़ात पर भी एहसान है। अपने मकसद में कामयाब होने के बाद मैं आपके सरमाए का एक पैसा भी अपने लिए हराम तसव्वुर करूँगा। ये बात आप अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि जो कुछ मेरी ज़ात पर इस वक्त खर्च होगा, समझा जाए कि ये इस फ़र्ज़ की ज़रूरत है, उसका मंसूर पर कोई एहसान नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी काविशों और कोशिशों से जो कुछ हासिल करूँगा वो मेरी अपनी मलकियत होगी। मैं और गुल तुम्हारे हर इकदाम से मुत्तफिक होंगे। बजाय इन बातों को सोचने के कि मुस्तकबिल में क्या होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अपने रास्ते क्या होंगे। तो मंसूर, पहले तुम उन लोगों से मिल लो, उनसे इसी अंदाज में गुफ्तगू करो जो एक नेक और खुदा तर्स प्रिंस का अंदाज हो सकता है। ये सब तुमसे पहली बार मिलेंगे, लेकिन उन्हें बता दिया गया है कि प्रिंस दिलावर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारे साथियों में से दो अफराद वहाँ मौजूद होंगे जो तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुम्हारा तारुफ उनसे कराएंगे। उन लोगों से तुम तफसीलात मालूम कर सकते हो। इसके बाद एक या दो दिन के अंदर अंदर वो लोग भी तुमसे मुलाकात करेंगे जो तुम्हारे दूसरे सेक्शन में काम करते हैं। तुम उनसे भी तफसीलात मालूम करके उनके लिए हिदायत जारी करोगे। अब तुम ये तमाम जिम्मेदारियाँ प्रिंस दिलावर की हैसियत से अपने हाथ ले लो और मुकम्मल एतमाद के साथ काम करो। तुम्हें जल्दी ही मंजरे आम पर आ जाना है। सेठ जब्बार से तुम्हारी मुलाकात के लिए कोई बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है प्रोफेसर, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक ही काम करूँगा। सिर्फ मेरी हिदायत के मुताबिक नहीं बल्कि हालात को समझकर तुम्हें खुद अमल करना है। हम लोग पीछे हट जाएंगे और फिर तुम्हारी मुलाकात हमसे प्रिंस दिलावर की हैसियत से होगी। गोया इससे कबल हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहा था। ओह, ये तो उम्दा बात है। मैं तो उलझा हुआ था कि प्रिंस दिलावर की हैसियत से मंजरे आम पर आने के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकातें कम हो जाएंगी। कम तो रहेंगी, प्रोफेसर शेराजी ने कहा, लेकिन नामुमकिन नहीं होंगी। पूरी दिलचस्पी से काम करो मंसूर, आने वाला वक्त हमें बहुत कुछ देगा। ये कहकर वो चले गए। प्रोफेसर शेराजी के जाते ही मैं फिर अपनी उस दुनिया में पहुँच गया जो ख्यालात की दुनिया कहलाती है। जो कुछ हो रहा था वाकई दिलचस्प था, लेकिन इसमें कहीं भी अम्मी और फरीदा की तस्वीर नज़र नहीं आती थी। वो तस्वीर तो अब मेरे लिए हसरत बन चुकी थी। बहुत देर तक मैं उन दोनों के बारे में सोचता रहा
और फिर मैंने ठंडी सांस लेकर खुद को संभाल लिया। ये एहसासात कुछ नहीं दे सकते। इस मसले में आज तक तदब्बुर भी बेमकसद ही रहा था। बस तकदीर के फैसले का इंतज़ार करना होगा। मुझे पता चल जाएगा कि या तो अम्मी और फरीदा अब इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर वो मुझे मिल जाएंगी। मेरे वो दो साथी जिनसे दगलू खान के साथ सबसे पहले मुझे मुतारिफ़ कराया गया था, इसी इमारत में मौजूद थे। उनमें से एक का नाम ताहिर और दूसरे का नाम आज़म था। बाकी दो अफराद ना जाने कहाँ थे। उन्होंने ये कहा था कि उनकी ज़रूरत पेश आए तो दगलू खान के ज़रिए उनसे रابطہ कायम कर लिया जाए, लेकिन अब ये दोनों यहीं मौजूद थे। चनाचा प्रोफेसर शेराजी के जाने के बाद मैंने मुकम्मल तौर पर तमाम हालात को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उन्हें तलब कर लिया। घंटी बजाई तो एक मुलाजिम अंदर आ गया। मैंने उससे कहा कि ताहिर और आज़म को मेरे पास भेज दिया जाए। मुलाजिम अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मेरे पास पहुंच गए। मैंने तुम्हें एक ख़ास मकसद के तहत बुलाया है, कल मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए क्या बंदोबस्त किया जाएगा? जो आप हुक्म दें प्रिंस। वैसे कोठी के बाएँ हिस्से में एक मीटिंग हॉल बना हुआ है, हमारा ख्याल था कि उसी में निशस्त का इंतज़ाम कर दिया जाए। आने वाले तकरीबन 15 अफराद होंगे। उस हॉल में 80 अफराद के लिए एक मेज़ पड़ी हुई है, अगर आप पसंद फरमाएं तो उसे देख लें। उसके इर्द गिर्द तमाम हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं, किसी किस्म की मुदाखलत मुमकिन नहीं है। गुड, गोया तुमने वहाँ तमाम तैयारी कर रखी है। यकीनन जनाब, हमें तगलू ख़ान की वसातत से यह हुक्म मिला था, लेकिन तगलू ख़ान ने यह भी कहा था कि उनके बाद तमाम हिदायत आप जारी करेंगे। प्रिंस, हम आपके सेक्रेटरी हैं, अगर आप पसंद फरमाएं तो तमाम तर मामूलात से हमें आगाह रखें। इसके अलावा मिस फीनी भी यहाँ पहुँचने वाली हैं। मिस फीनी को हमने बाहर ही तलब किया है, शायद प्रोफेसर शेराजी साहब की शनासा खातून है। प्रोफेसर साहब ने बहुत पहले ये बात कही थी कि उन्हें प्रिंस दिलावर की सेक्रेटरी बनना है। चनाचा जब वो यहाँ पहुँच जाएंगी तो वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी होंगी। बहरहाल कल के मामलात बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आप कोई तरमीम फरमाना चाहें तो हमें हुक्म दे दीजिए। बस ठीक है, ये मिस फीनी कब तक पहुंच जाएंगी? शायद आज ही जनाबे वाला, इत्तला यही मिली है, आज़म ने जवाब दिया। ओके आज़म, तुम लोग जा सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा बुला लूँगा। वो मुझे सलाम करके चले गए। एक बार फिर मैंने घंटी बजाकर मुलाजिम को तलब कर लिया और पूछा कि मेरे लिबास वगैरह का क्या बंदोबस्त है। सर, मिस नादरा इस सिलसिले में इंचार्ज हैं, आप हुक्म दें तो मैं उन्हें आपके पास भेज दूँ। भेजो, मैंने जवाब दिया, और मुलाजिम के जाने के बाद मेरे होंठों पर खफीब से मुस्कुराहट फैल गई। कुछ देर बाद मिस नादरा आ गई। उसकी उम्र 30 साल से कम नहीं थी। अब तक वो मिस क्यों थी, ना तो मुझे इस सिलसिले में मालूम था और ना ही मैंने मालूम करने की कोशिश की। बहरहाल जाजिब निगाह खातून थी, सफ़ेद लिबास पहने वो मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आँखों में एक अजीब सी सादगी थी। मुझे देख कर गर्दन खम की और कहने लगी, जनाब मुझे तलब फरमाया था। हाँ मिस नादरा, लिबास के बारे में मालूमात हासिल करनी थी। जनाबे आली, लिबास तैयार हैं, मुझे शाम का लिबास चाहिए। घर ही में पहनने के लिए? हाँ, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहुत बेहतर, मैं पेश कर देती हूँ। ये कहकर वो लचकती हुई बाहर चली गई तो मुझे एकदम हसीना याद आ गई। वो खुद सर और प्यारी सी लड़की आज भी मेरे जहन में उसी तरह ज़िंदा थी। मैंने बहुत कम ऐसी लड़कियाँ देखी थीं और बहर तौर मैं उससे प्यार करता था। अगर हालात ने दोबारा मौका दिया तो यकीनन उससे मिलने की कोशिश करूँगा। उसी जैसी लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता था। मिस नादरा मेरे लिए लिबास ले आई। यह सिल्क का इंतहाई खूबसूरत गाउन था और उसके नीचे एक ढीला ढाला सा लिबास जो घर पर पहनने के लिए नहायत मौजू था। मैंने बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील किया। रेशमी लिबास की सरसराहटें मेरे बदन में गुदगुदियाँ सी कर रही थी। गाउन पहनकर मैं बाहर आया तो बहरोज मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसी तरह का मर्दाना लिबास पहने, मगर यह लिबास भी नया था और वो मुझे देख कर हंस दिया। क्यों हंसी आ रही है? आपको देख कर बेवकूफ़ लग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रिंस लग रहे हैं। वाह, अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? क्यों? मैंने आंखें निकाल कर कहा। यकीन करो चीफ, मजाक नहीं उड़ा रहा और ना ही बहरोज में ये जुरत है। मैं तो सिर्फ इस बात पर हंस रहा था कि ये जो मिस नादरा है ना, इस इमारत की इंचार्ज, उन्होंने ना जाने किस तरह मेरा नाप हासिल कर लिया। एक भी कपड़ा ऐसा नहीं जो बदन पर फिट ना हो, सारे के सारे हसीन तरीन। लेकिन आप यकीन करें चीफ, मैं बहुत से लिबास उनमें से नहीं पहन सकता। उन्हें पहनने के बाद मेरा छुपा रहना मुश्किल है, बहरोज बेसाख्तगी से बोला और शर्मा गया। मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई। बहरतौर वो बेहद मसरूर था, जिस पर मुझे बेहद खुशी हुई। अजीबोगरीब शख्सियत थी उसकी, कमज़ोर और मासूम सी लड़की जो सादिया से बहरोज बन गई थी और अपनी शख्सियत तक खो बैठी थी। हालात ने उसे इतना कुचला था कि वो खुद को भी लड़की कहने पर आमादा नहीं होती थी, और अब तो मेरा दिल भी नहीं चाहता था
کہ اسے لڑکی سمجھوں یا بہروز سے کوئی مختلف شخصیت تصور کروں۔ ہم کافی دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ سرخاب زیر بحث آئی اور اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی۔ ایاز اور عظمت کا تذکرہ بھی نکلا۔ بہروز کہنے لگا، منصور آپ کی وجہ سے یہ بات ذرا سی تکلیف دہ ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے گھل مل نہیں سکتا۔ ایسا کوئی دل نہیں ہے کہ میں ان سے ملتا رہوں۔ بھائی تم سرخاب یا گل کے پاس رہ سکتے ہو، بس کچھ عرصے کے لیے مجھ سے جدا ہونا پڑے گا۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے جدا رہنے کا تصور ہی ہولناک ہے، بہروز نے کہا اور ہڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہی کہ مجھ سے دور رہنا ممکن نہیں ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب تک میں ان لوگوں سے گھل مل نہ جاؤں، بھلا میں کیسے ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ بہرطور کبھی نہ کبھی یہ حالات درست ہو ہی جائیں گے۔ یقیناً بہروز، اس میں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، بس تھوڑے دنوں کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح ہم میں آ شامل ہوں گے اور پھر کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ چلیں چھوڑیں، اب کیا پروگرام ہے؟ میں کچھ سوچ رہا ہوں بہروز، میں نے کہا اور وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ بات یہ ہے بہروز کہ میں نے ہمیشہ پروفیسر سے تعاون کیا، ان کی بات مانی۔ وہ کیا کر رہے تھے اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، البتہ میں ان کے پاس سے نکلا تو میں نے بہت سے کام کیے تھے۔ میں نے خود بھی ذہانت سے کام لیا اور خدا کے فضل سے مجھے کوئی الجھن پیش نہیں آئی۔ بس یہاں پوشیدہ رہ کر حالات کا انتظار کروں، یہ ذرا تکلیف دہ امر لگتا ہے۔ اوہ، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہروز نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر خود بھی تو کچھ خود اعتمادی پیدا کروں، بہت سے کام کرتا رہا ہوں، پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ایاز اور عظمت کو تلاش کروں، دوسرے حالات بھی دیکھوں اور اگر ممکن ہو تو چمن سے بھی مل لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صورتحال آپ کے لیے خطرناک ہو جائے، میں محتاط رہوں گا۔ تو ایک درخواست میری بھی ہے، تم یقیناً کہو گے کہ میرے ساتھ چلو گے۔ ہاں چیف، میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں قطعی ضد نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو ذہنی طور پر الجھا کر کمزور نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس کی اس بات پر بے پناہ پیار آ گیا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ شام 7 بجے طاہر ایک غیر ملکی لڑکی کو لے کر میرے پاس پہنچ گیا۔ سبز اسکرٹ میں وہ بے حد حسین نظر آ رہی تھی، گلے میں سبز رنگ کا ہی ایک لاکٹ پڑا ہوا تھا، آنکھوں پر سنہرے فریم کی ایک عینک تھی اور عینک کے پیچھے نظر آنے والی آنکھیں بے حد حسین تھیں۔ باریک باریک ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، اس کا سراپا سانچے میں ڈھلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں اس وقت کوٹھی کے اوپری حصے میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، میرے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا، لیکن نگاہیں اور خیالات باہر کی دنیا پر مرکوز تھے کہ طاہر اسے لے کر آ گیا تھا۔ ہیلو سر، مجھے فینی کہتے ہیں، لڑکی نے بڑھ کر کہا اور میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلا دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھا تو محسوس ہوا کہ وہ بھی بڑی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کا انداز بے باکانہ تھا اور چہرے کی تازگی اس کے سونے جیسے دل کی آئینہ دار تھی۔ مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا گیا تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سیدھی میرے پاس آ رہی ہو یا آرام بھی کیا ہے؟ میں ایئرپورٹ پر اتری تو قدرے تھکی ہوئی تھی، اس لیے وہاں سے ایک ہوٹل چلی گئی جہاں 3 گھنٹے ریسٹ کر کے تر و تازہ ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ تبسم ریز لہجے میں بولی، سامان کہاں ہے تمہارا؟ ساتھ لے آئی ہوں کیونکہ میرا قیام یہیں رہے گا۔ گڈ، کہاں سے آئی ہو؟ لندن سے جناب۔ اس سے پہلے کوئی ملازمت کی؟ نہیں جناب، میں حال ہی میں فارغ التحصیل ہوئی ہوں، میرے والدین نہیں ہیں، لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتی تھی۔ ارادہ تھا کہ تعلیم حاصل کر کے کوئی اچھی سی ملازمت کروں گی اور پھر کوئی اچھا سا ساتھی مل گیا تو شادی کر لوں گی، لہٰذا میں 5 سال کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر اس دوران کوئی اچھا ساتھی مل گیا تو؟ میں نے شدید لہجے میں سوال کیا۔ اس سے شادی کے لیے معاہدے کی مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں ہنس پڑا، اچھے ساتھیوں کے لیے اتنا طویل انتظار کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی مل گیا تو میری طرف سے تمہیں شادی کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسکراتی رہی۔ وہ ایک شوخ سی لڑکی تھی اور میں حیران تھا کہ وہ میرے راز محفوظ رکھ سکے گی یا نہیں۔ پھر یاد آیا کہ اس کا انتخاب پروفیسر نے کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ پینی، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اب جاؤ، اپنے لیے کوئی آرام دہ کمرہ منتخب کرو اور پھر ڈنر کے بعد مجھ سے دوبارہ ملو۔ وہ ادب سے جھک کر رخصت ہو گئی۔ ڈنر کے بعد وہ دوبارہ آئی تو بہروز میرے پاس تھا۔ میں نے ان دونوں کو متعارف کرایا اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اسے رخصت کر کے بہروز کے ساتھ کوٹھی کے لان میں چہل قدمی کے ارادے سے نکل آیا۔ باغ میں آ کر بہروز نے کہا، چیف لڑکی تو اچھی خاصی ہے۔ میں نے اس شریر جملے کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ بہروز نے مجھے سنجیدہ دیکھا
तो प्रोफेसर का तस्करा निकाल लिया। हम देर तक इधर उधर की बातें करते और टहलते रहे। दूसरी सुबह से फिनी ने चार्ज संभाल लिया। नाश्ता उसने मेरे साथ नहीं किया था और ना ही मैंने उसे तलब किया। अलबत्ता नाश्ते के फ़ौरन बाद वो मेरे पास पहुंच गए। बहरोज किसी काम से ऊपर की मंजिल में चला गया था। फिनी ने अदब से मुझे सलाम किया। उस वक्त तन्हाई थी, इसके बावजूद फिनी के अंदाज में वो शोखी और गुस्ताखी ना थी जो मैंने पहली मुलाकात में महसूस की थी। उसने नहायत संजीदगी से कहा, लिबास तब्दील कर लीजिए जनाब, 10:30 बजे आपके पास वो मेहमान पहुँच जाएंगे जिनसे आज की मीटिंग तय है। दोपहर के खाने के बाद और कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये मेहमान दोपहर के खाने पर भी रुकें तो उनके लिए खाने का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। वैसे प्रोग्राम इतना तवील नहीं है और दोपहर तक उनके रुकने का इम्कान नहीं है। ठीक है, और शाम का क्या प्रोग्राम है फिनी? मैंने सवाल किया। सर, और तो कोई प्रोग्राम मेरे इल्म में नहीं है, बाद में कोई बन जाए तो मैं कह नहीं सकती। ओके फिनी, मैंने जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेहमानों से मिलने के लिए मैं खुद को तैयार कर लेना चाहता था। ठीक 10:30 बजे फिनी मेरे पास पहुंच गई। उसने मुझे इत्तला दी कि वो लोग आ चुके हैं। कितने अफराद हैं फिनी? मैंने पूछा। 15 जनाब और 13 मर्द। मैंने गर्दन हिला दी और फिनी के साथ ही बाहर निकल आया और उसने मुझे उस कमरे में पहुंचा दिया जहां एक तवील मेज़ लगी हुई थी और उस मेज़ पर 15 अफराद बैठे हुए थे। सब के सब मुझे देख कर खड़े हो गए। मैं पुरसकून अंदाज में चलता हुआ उस कुर्सी तक पहुँच गया जो मेरे लिए मखसूस थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो सब दसदीदा निगाहों से मुझे देख रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर मैंने उन्हें इशारा किया तो वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। फिनी मुझसे पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठी थी। फिर दोनों खवातीन में से एक उठ खड़ी हुई और शाइस्ता लहजे में बोली, मैं मीटिंग के आगाज़ की इजाज़त चाहती हूँ प्रिंस। शुरू कीजिए, मैंने भारी आवाज़ में कहा। शुक्रिया प्रिंस, मैं सबसे पहले इस बात पर इजहार मुसर्रत करती हूँ कि हमारा बॉस आज पहली बार हमारे सामने मौजूद है। मैं इजहार जज्बात को गुस्ताखी नहीं तसव्वुर करती। हर शख्स के दिल में इस जगह से मोहब्बत का जज्बा होता है जहाँ से उसे रोज़ी मिलती है। हमें फ़ख्र है कि हम ऐसे अच्छे इदारे से मुंसलिक हैं जहाँ हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम साइमा रोशन अली है और मैं दिलावर इंडस्ट्रीज़ की जनरल मैनेजर हूँ। 6 फर्म्स मेरे तहत हैं और ये तमाम अफराद जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं दिलावर इंडस्ट्रीज़ के मैनेजर और डायरेक्टर्स हैं। मैं फ़र्दन फ़र्दन इनका तारुफ कराती हूँ। मैंने गर्दन हिला दी तो साइमा एक एक शख्स का नाम लेती गई और वो अपनी जगह से उठकर मेरे सामने गर्दन खम करता रहा। जब तमाम लोगों से तारुफ हो गया तो साइमा रोशन अली ने कुछ और तारुफी अल्फाज कहे और उसके बाद मुझे बोलने का मौका दिया गया। फिनी ने जल्दी से कागज़ की एक शीट मेरे सामने रख दी जिस पर उन तमाम लोगों के नाम और उन फर्मों के नाम लिखे हुए थे जिनके वो सरबराह थे। फिनी की यह कारकर्दगी मुझे बेहद पसंद आई, वरना फर्दन फर्दन हर शख्स को याद करके उससे सवालात करना ज़रा मुश्किल काम था। मैंने पुरसकून अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर उन लोगों से उनकी फैक्ट्रियों और मिलों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं एक तवील अरसे से कारोबार चला रहा हूं और तमाम मामलात से वाकिफ हूं और मेरे तमाम मुलाजमीन मुझे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सुना रहे हैं। मैं खुद हैरान था कि मैं उनमें से किसी को भी शक का मौका नहीं दे रहा था, बल्कि उनसे ऐसे सवालात कर रहा था कि जवाब देते हुए बाज़ औक़ात उनकी ज़बानें लड़खड़ा रही थी। मैंने उन्हें मसाइल के हल भी दिए। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये मीटिंग जारी रही। इस दौरान मेरे मुलाजिमों ने उन लोगों की खातिर तवाज़ा भी की। 1 बजे ये नशस्त बर्खास्त हो गई और सब के सब खुश खरम रुखसत हो गए। फिनी साय की तरह मेरे साथ थी। आप मुतमइन हैं जनाब? उसने सवाल किया। किस बात से फिनी? मेरा मकसद है इस कॉन्फ्रेंस से। क्या इसमें कोई गैर इत्मीनान बख्श बात थी? मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। जी नहीं, मैंने यूं ही पूछ लिया था। कोई बात यूं ही नहीं पूछी जाती। फिनी आओ, मेरे कमरे में आओ, मैंने कहा और चंद लम्हात के बाद मैं अपने ख्वाबगाह में पहुंच गया। फिनी यहाँ तक आते हुए कुछ अजीब से एहसासात का शिकार थी। मैं उसके चेहरे से ये बात महसूस कर रहा था। ताहम उसने मेरी ख्वाबगाह में दाखिल होने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। मैं आराम से पांव फैलाकर एक आराम कुर्सी पर दराज हो गया और फिनी को बैठने का इशारा कर दिया। फिनी ने तेज़ रोशनी जलाई और बैठ गई। तब मैंने कहा, हाँ तो फिनी, मैं तुमसे पूछ रहा था कि गैर मुतमइन होने की कोई वजह हो सकती है? नहीं जनाब, लेकिन किसी भी कॉन्फ्रेंस में बाज़ औक़ात ऐसी उलझने रह जाती हैं जिन्हें फौरी तौर पर सुलझाना मुमकिन नहीं होता। मैं पूछना चाहती थी कि क्या कोई ऐसी उलझन आपके जहन में भी बाकी रह गई है? नहीं, बहर तौर कोई ख़ास बात मेरे जहन में नहीं है। तुम अगर अपने तौर पर कुछ महसूस कर रही हो तो उसकी निशानदेही कर दो। जी नहीं, वैसे मैंने ये नोट्स तैयार कर लिए हैं। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कागजात मेरे सामने बढ़ा दिए। कैसे नोट्स हैं? मीटिंग में जो कार्रवाई हुई है
उसके अहम नकात। मैंने कागजात उसके हाथ से ले लिए और उन पर निगाह दौड़ाने लगा। फिर मैं वाकई हैरान रह गया। फीना ने बाज़ जगह शॉर्ट हैंड में और बाज़ जगह साफ तहरीर में नोट्स लिखे थे। शॉर्ट हैंड के नोट्स तो मैं ना समझ सका, लेकिन जो साफ नोट्स मैंने पढ़े वो बड़े शानदार थे। फीनी ने बड़ी जहानत से उन पर मार्किंग की थी और मैं उसकी जहानत का दिल से कायल हो गया। मैं काफ़ी देर तक कागजात देखता रहा। फिर मैंने नोट्स फीनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत उम्दा फीनी, मैं तुम्हारी इस कारकर्दगी से बेहद खुश और मुतमइन हूँ। मेरा फ़र्ज़ है जनाब, फीनी ने सपाट लहजे में कहा। मुझे हंसी आने लगी। ये किस किस्म की नाराज़गी का इजहार था, और ये लड़कियाँ बस ज़रा सी बात पर मुँह फुला कर बैठ जाती हैं। बहरतौर मैंने अपनी पोजीशन बरकरार रखने का फ़ैसला कर लिया और उसके लहजे पर तवज्जो ना देते हुए कहा, ये जो कुछ तुमने शॉर्ट हैंड में लिखा है इसे मैं नहीं समझ सका। ये आर्जी रिपोर्ट है जनाब। अभी मैं ये मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके टाइप करूँगी, फिर उसकी फ़ाइल तैयार करके आपके सामने पेश कर दूँगी, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको देख कर लाइहे अमल मुरतब कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाऊँ जनाब? फीनी ने सवाल किया और मैंने निगाह उठाकर उसे देखा और फिर गर्दन हिला दी। वो क्या चाहती थी मुझसे? ये हमाकत का इजहार था। चनाचे मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और फीनी कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मैं हालात पर गौर करने लगा। ठीक 2:45 बजे बहरोज़ मेरे कमरे में दाखिल हो गया। हजूरे वाला, खादिम हाजिर हो सकता है? उसने कहा और मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। बहुत भूख लग रही है, मेरा ख्याल है कि खाने के वक्त में तब्दीली कर दी गई है, वो कराह कर बोला। हाँ, क्या बज गया? मैंने चौंक कर पूछा। जी बस 2:00 बजने में चंद मिनट बाकी हैं। तो फिर मुलाजिमों से कहो खाना लगा दें, मैंने कहा। बहुत बेहतर। बहरोज़ ने दीवार गिर बटन दबाया और चंद लम्हों में मुलाजिम अंदर आ गया। बहरोज़ ने उसे खाना लगाने के लिए कहा। मुलाजिम ने उसे अदब से जवाब दिया, खाना लग गया है जनाब, तशरीफ़ ले चलिए। खाने के बाद मैं और बहरोज़ काफ़ी देर तक आने वालों के बारे में बातचीत करते रहे। बहरोज़ बेहद मसरूर नज़र आ रहा था, लेकिन मैं संजीदा था और शायद बहरोज़ मेरी संजीदगी की वजह समझ गया। चनाचा चंद लम्हे बाद वो संजीदा हो गया। आपने एक बात कही थी मुझसे चीफ़। कौन सी बात? आपने कहा था कि आप अपने तौर पर भी कुछ करने का इरादा रखते हैं। हाँ बहरोज़, आज रात मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। ओह ज़रूर चीफ़, मगर क्या मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम भी नहीं मालूम हो सकेगा? तुम्हें मालूम होगा, लेकिन किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने जवाब दिया। मैं सोच रहा हूँ कि पहले तो पोशीदा तौर पर गुल से मिलूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा मेरा साथ देती रही है, जबकि प्रोफेसर शेराजी बेहद मोहतात किस्म के आदमी हैं, वो ये पसंद नहीं करेंगे कि मैं इस तरह घर से बाहर निकलूं और किसी तरह दुश्मनों की नज़र में आऊं। हालांकि ये मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप गुल से किस तरह मुलाकात करेंगे? वो तो प्रोफेसर शेराजी के पास ही रहती हैं। ओह हाँ, ये बात तो मेरे जहन से ही उतर गई थी। वैसे तुमने अच्छी बात याद दिलाई। ठीक है, मैं गुल से फ़ोन पर बात कर लूँगा, मैंने कहा। गुल का फ़ोन नंबर ताहिर आज़म को मालूम होगा, ये कहकर मैं अपनी जगह से उठ गया। बहरोज़ भी मेरे साथ ही बाहर आया था। बाहर फीनी नज़र आ गई, जो सामने की राहदारी से गुजर रही थी। मुझे देखकर वो रुक गई। फीनी प्लीज़, मैंने कहा। ताहिर कहाँ है? अपने कमरे में है, क्या मैं उसे बुलाऊं? हाँ, उससे एक फ़ोन नंबर मालूम करना है। किसका जनाब? फीनी ने सवाल किया। प्रोफेसर शेराजी का, मुझे गुल से बात करनी है। दोनों के नंबर मेरे पास हैं, फीनी ने कहा। मैं मुतहैया रह गया। तुम्हें कैसे मालूम है? मैंने पूछा। मुझे मालूम होना चाहिए जनाब, उसने कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या नंबर है गुल का? मैंने सवाल किया तो फीनी ने एक नंबर दोहरा दिया और मैं वाकई मोहताजिब रह गया। बहरतौर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने कमरे में आ गया। बहरोज़ अब भी मेरे साथ साथ था। भाई यह सेक्रेटरी तो कुछ कंप्यूटर किस्म की चीज़ है, इसे यहाँ आए अभी चंद घंटों से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन यूँ लगता है जैसे उसने सारी मालूम हिफ्स करनी हो। अच्छी लड़की है चीफ, बेपनाह खूबसूरत, मैं तो उसका हुस्न देखकर हैरान रह गई हूँ, मेरा मतलब है रह गया हूँ, बहरोज़ ने कहा। मुझे उसके हुस्न से कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता उसकी कारकर्दगी बेहद शानदार है। मैंने रिसीवर उठाया और गुल का नंबर डायल करने लगा। चंद ही लम्हे बाद दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। फरमाइए, किससे बात करनी है आपको? गुल से, मेरा मतलब है लेडी जहांगीर से। चंद सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं बुलाई देती हूँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला और चंद लम्हे बाद लेडी जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी। गुल, हेलो गुल, कैसे मिजाज हैं? कौन साहब हैं? भाई मैं तुम्हारा कदीम दोस्त बोल रहा हूँ, नासिर कह लो, मंसूर कह लो, और अगर मज़ीद कुछ कहना चाहती हो तो शहज़ादा कह लो। ओह मैं तो शहज़ादा ही कहूँगी, गुल की आवाज़ सुनाई दी। कहो कैसे फ़ोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ गुल, तो इसमें तरद्दुद की यह बात है?
मैं खसूसी तौर पर तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरा मतलब है तन्हाई में। ओह तो फिर 11:30 बजे आ जाओ, क्योंकि 11 बजे प्रोफेसर और सुखाब अपने ख्वाब गाँव में चले जाते हैं। 11:30 बजे बंगले के अगली हिस्से में आ जाओ, वहाँ एक छोटा दरवाज़ा है, मैं उसे खुला रखूँगी और वहीं तुम्हारा इंतज़ार भी करूँगी, गुल ने कहा। मगर हजूर ये बंगला कहाँ है, मैंने सवाल किया। एबिक स्क्वायर के अकब में जो 3 बंगले बने हुए हैं उन्हीं में बंगला नंबर 9 है। ठीक है, मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैंने जवाब दिया और सिलसिला मुनकता कर दिया। एबिक स्क्वायर मेरा देखा भाला इलाका था, क्योंकि ये शहर मेरा अपना था, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा इलाका नहीं था, वो मुतवसत तबके की आबादी थी। प्रोफेसर शेराजी और गुल वहाँ कैसे रह रहे हैं, ये बात मेरे लिए ताजुब खेज थी। मुमकिन है वहाँ कुछ तब्दीलियाँ हो गई हों, मैं सोचता रहा और मैंने अपना जहन झटक दिया। गुल से मुलाकात के लिए जाऊँगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। 11:00 बजे मैंने लिबास तब्दील किया और अपने चेहरे में मामूली सी तब्दीलियाँ पैदा कर लीं और इसके बाद खामोशी से निकल आया। मेरे वहाँ से निकलने का इल्म सिर्फ बहरोज को था। पीनी को भी मैंने 10 बजे ही आराम करने की हिदायत कर दी थी और कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। मैं खामोशी से बहरोज के साथ अगली दरवाजे तक आया और वहाँ से बाहर तारीकी में निकल कर काफ़ी दूर तक आगे बढ़ता रहा। फिर एक सड़क पर पहुँच कर मैंने टैक्सी रोकी और उसे एबिक स्क्वायर चलने के लिए कहा। टैक्सी सड़कों पर दौड़ने लगी। उन सड़कों और बाज़ारों को देखकर मेरे जहन में बहुत सी यादें फिर से ताज़ा होने लगी थीं। तमाम की तमाम सड़कें मेरी जानी पहचानी थीं। मैं ना जाने किन किन हालात में उन सड़कों से गुजर चुका था और आज मैं एक बिल्कुल ही नई पोजीशन में था। इंसान कभी अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा। मैं उन सड़कों पर नौकरी की तलाश में सरगर्दा फिरता रहा था और उन्हीं सड़कों पर मैं मुजरिम बनकर भी दौड़ता रहा था और पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी। क्या क्या यादें वाबस्ता थीं उन सड़कों से, खामोश और सुनसान सड़कें मेरे जहन को माजी की तरफ घसीट रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को संभाल लिया। माजी के जजीरे तो जहन के गोशे गोशे में थे, उन ख्यालात से छुटकारा पाना कहाँ मुमकिन था, लेकिन मैं खुद को उन जजीरों के तलस्सुम से आज़ाद करा के हालिया मिशन की तरफ मुतवज्जा हो गया। थोड़ी ही देर में एबिक स्क्वायर आ गया और मैंने टैक्सी रुकवा कर बिल अदा कर दिया, फिर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ गया। एबिक स्क्वायर में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई थी, यहाँ 250 और 300 गज़ पर बंगले बने हुए थे। बंगला नंबर 9 भी इसी साइज़ का और पुरानी तर्ज का बना हुआ था, खुशनुमा ज़रूर था, लेकिन प्रोफेसर शेराजी और गुल की आलीशान कोठी के मुकाबले में ये कुछ भी तो नहीं था। मेरा दिल उसे देखकर धक से रह गया। सुरखाब और प्रोफेसर शेराजी इसी बंगले में रहते हैं, ये बंगला तो उनके मुलाजमों के रहने के काबिल था, वो खुद इसमें कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या ये एसआर की आला तरीन मिसाल नहीं थी। मैं बंगले के अगले हिस्से में पहुँच गया तो दरवाज़ा मेरी तौका के मुताबिक खुला हुआ था और गुल नज़र आ रही थी। मैं करीब पहुँचा तो उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बाजू पर उसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। मैंने महसूस किया कि गुल का बदन होले होले कांप रहा है। गुल, मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा। उसने जल्दी से मेरा बाजू छोड़ दिया और बोली, आओ मंसूर अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ आगे बढ़ता हुआ एक और कमरे तक पहुंच गया, यहाँ नीम तारीकी थी। इसके बाद गुल मुझे एक छोटी सी ख्वाबगाह में ले आई। ख्वाबगाह यूं तो खूब आरास्ता थी, लेकिन गुल के उस बेडरूम के मुकाबले में कुछ नहीं थी जो मैं देख चुका था। उसने दूसरी सिम का दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, ये इत्तफाक है कि मेरी ख्वाबगाह इस काम आ गई, यहाँ से किसी और को तुम्हारी आमद का पता नहीं चलेगा। शुक्रिया गुल, मेरी वजह से तुम्हें एक और तकलीफ़ उठानी पड़ी। तुम इस छोटे से बंगले में रहती हो और वो भी दूसरे लोगों के साथ, क्या तुम्हारा दिल नहीं घबराता होगा इस बंगले में? आपको वो मकान याद है जिसमें आप अपनी अम्मी और बहन के साथ रहा करते थे, गुल ने सवाल किया। मेरे दिल पर एक घूंसा सा पड़ा। हाँ मुझे याद है, मैं ये कहना चाहती थी कि इंसान अगर एक छोटी सी झोंपड़ी में खुश रह सकता है तो वो झोंपड़ी ही उसके लिए महल से कम नहीं होती। मैं, प्रोफेसर और सुरखाब इतने मुतमईन हैं कि बयान नहीं कर सकते, बल्कि हम तो अब ये महसूस करने लगे हैं कि इससे कबल हम जिन शानदार कोठियों में रहते थे वो हमारे लिए बेकार थीं। इंसान को एक ऐसी जगह दरकार होती है जहाँ उसके लिए सुकून हो, मोहब्बतें हों। वहाँ मैं तन्हा थी, जबकि यहाँ यूँ महसूस करती हूँ जैसे मेरा घर भरा हुआ है। हम सब यहाँ इतने मुतमईन और मसरूर हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन तुमने इस छोटी सी जगह को अपनी कयामगाह बनाने का फ़ैसला कैसे किया, मैंने सवाल किया। साफ साफ बताऊँ मंसूर, क्योंकि छुपाने का मकसद झूठ बोलना होगा और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। हमें पैसे की शदीद ज़रूरत थी, हमने हर वो चीज़ फरोख्त कर दी जिसे हम बेच सकते थे, हमने ज़ाती ज़रूरियात को महदूद किया, हमने फहरिस्त बनाई कि हमें क्या कुछ दरकार होगा। अब हमारे पास 2 कारें हैं, एक बंगला है, एक छोटा सा ज़रिया आमदनी है जो बआसानी हमारी ज़रूरियात पूरी कर देता है।
हम अपने दर्जे के लोगों से हटकर जरा निचले दर्जे के लोगों में आ शामिल हुए हैं। हमारी उनसे दोस्ती है और हम सब उनसे मिलते हैं। कोई हमें हमारी असल हकीकत से नहीं जानता। ये सब हमें अपने जैसा समझते हैं, अपने दुख दर्द हमें बताते हैं। इस तबके के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें इन सब के मसाइल सुनकर बहुत दुख होता है। हम इन्हें नौकरियाँ दिलाते हैं और इनकी हर मुमकिन आहानत करते हैं। नौकरियाँ उन फर्मों में होती हैं जो हमारी अपनी हैं। मेरा मकसद है प्रिंस दिलावर की। हम कारामद लोगों को छांट लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। गुल, मैं तुम्हारी और प्रोफेसर की अजमत का तो हमेशा से कायल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तकल्लुफ़ रहने दो और ये बताओ कि मुझसे मिलने के लिए इस कदर बेकरार क्यों थे? दिल चाह रहा था गुल, और फिर घुटन इतनी भर चुकी थी कि तुमसे मिले बगैर चारा नहीं था। घुटन? कैसी घुटन? एक तवील अरसे बाद वतन वापसी हुई है। कुछ अपनों को छोड़ गया था यहाँ, जिनमें से चंद मिल गए और चंद रह गए। मैं बहुत कुछ मालूम करना चाहता हूँ गुल, बहुत कुछ, और इसका जरिया सिर्फ तुम ही बन सकती थी। क्या मालूम करना चाहते हो? गुल ने मुस्तैदी से कहा। अजमत कौन सी फर्म में है? दिलावर सूट फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर है, गुल ने जवाब दिया। और कहाँ रहता है? एक उम्दा से मकान में जो उसे फार्म की तरफ से मुहैया किया गया है। अपने वालिदैन के साथ? हाँ, अपने वालिदैन के साथ, सब खुशो खरम है। मेरे बारे में तो पूछता होगा? बहुत ज़्यादा, लेकिन जाहिर है कि मैं भी खुद उसकी तरह लाइल थी। चमन से तो उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई। मैंने इस बारे में सवाल नहीं किया। अच्छा, मेरा दोस्त अय्याज? उसके बारे में तुम्हें बता चुकी हूँ मंसूर कि मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद तुम्हारे साथ ही गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका। मैं उसके लिए बेहद तशवीश ज़दा हूँ। मेरा ख्याल है मुझे इस बारे में तगलु खान से बात करना होगी। मेरा ख्याल है वो चमन से मिलता रहता है, गुल ने राय जाहिर की। हाँ, यकीनन ये काम तगलु खान से ही लिया जाएगा। अच्छा गुल, प्रोफेसर शेराजी और सुरखाब के बारे में कुछ और बताओ। कुछ नहीं मंसूर, बिला वजह तजस्सुस का शिकार हो रहे हो। हम सब बेहद मुतमईन हैं। बस प्रोफेसर की ये ख्वाहिश है कि सेठ जब्बार का पता साफ हो जाए, और इसके लिए हम लोगों ने दिन रात कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है गुल, मैंने आहिस्ता से कहा। चाय पियोगे? गुल ने सवाल किया। नहीं शुक्रिया, कोई ख़ास मूड नहीं है। और फिर बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी भाई, इसमें कौन सी मुश्किल पेश आ जाएगी, गुल ने जवाब दिया। शुक्रिया गुल, मैंने कहा। बड़ी अजीब कैफियत हो रही थी। तुमसे गुफ्तगू करने के बाद तरोताज़ा हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम जैसा आइनी शख्स तमाम मराहिल से गुजर कर अपने आप को उसी पोजीशन में ले आएगा जैसा कि हम सब चाहते हैं, गुल ने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक मैं उसके पास बैठा रहा, फिर मैंने वापसी की इजाज़त चाही और गुल ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, ना जाने तुम्हें अभी कितनी मेहनत करनी है। बहरहाल यहाँ से जाओगी किस तरह? आगे जाकर टैक्सी कर लूँगा। हालांकि तुम्हें इस सिलसिले में बहुत सी सहूलतें हासिल हैं। तुम्हें इल्म होगा कि शहर में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जिनकी तरफ अगर कभी जाओ तो वहाँ से कोई भी कार ले सकते हो। मेरा ख्याल है तुम इसके लिए मुनासिब प्लानिंग कर लेना ताकि तुम्हें कोई दिक्कत पेश ना आए। ठीक है गुल। अच्छा, खुदा हाफिज़, मैंने कहा, और वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। मैं वहाँ से निकल आया। टैक्सी के लिए काफ़ी दूर तक पैदल सफ़र करना पड़ा। घर जाने को अभी जी नहीं चाह रहा था। दफ़तन एक ख्याल जहन में आ गया और मैं उस पर काबू ना पा सका। मैंने टैक्सी ड्राइवर को उस मखसूस इलाके की तरफ चलने का हुक्म दिया जहाँ सेठ जब्बार की कोठी थी। सेठ जब्बार की कोठी से काफ़ी फासले पर मैंने टैक्सी रुकवाई और बिल अदा करके टैक्सी की वापसी का इंतज़ार करता रहा। टैक्सी दूर निकल गई तो मैं सेठ जब्बार की कोठी की जानी बढ़ गया। ये कोठी आज भी जानी पहचानी थी, इसमें कोई नुमाया तब्दीली नहीं आई थी। मैं कोठी के उस मखसूस हिस्से में हो गया जहाँ से अंदर आने जाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। फिर मुलाजमीन के उन क्वार्टरों की तरफ चल पड़ा जिनमें से एक में अमजद भाई रहते थे। मैं छुपता छुपाता अमजद भाई के क्वार्टर की उस अगली खिड़की तक पहुँच गया जहाँ से बारहा मैंने उन्हें पुकारा था। कुर्बो जवार के क्वार्टर सुनसान पड़े थे। मैंने खिड़की के क्वार दबाए तो वो खुल गई। खिड़की में अंदर की तरफ कुंडी नहीं लगी हुई थी। खिड़की खुली तो कमरे में बैठे हुए लोग इस तरफ मुतवज्जा हो गए। मैं जल्दी से नीचे हो गया। अंदर से अमजद भाई की आवाज़ उभरी, अरे ये खिड़की कैसे खुल गई, हवा भी नहीं चल रही, पता नहीं क्या बात है, देखें। अमजद की बेगम ने कहा और वो उठकर खिड़की के करीब आ गए। जब वो खिड़की के करीब पहुंचे तो मैं एक लम्हे के लिए सीधा हो गया और अमजद भाई बौखलाकर जल्दी से पीछे हट गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहे थे। फिर उनकी भराई हुई आवाज़ उभरी, कौन हो तुम, कौन हो? अरे अरे अमजद भाई, आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपका भतीजा मंसूर हूँ। अमजद भाई गोया सकते में रह गए। चंद लम्हा तो वो कुछ भी ना समझ सके। फिर उनके हलक से अजीब सी आवाज़ निकल गई, मंसूर? हाँ अमजद भाई, मैं ही हूँ।
ओह ओह, आ जाओ, इधर से आ जाओ, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, अमजद ने कहा। और मैं पलट कर दरवाजे की तरफ चल पड़ा और चंद ही लम्हों बाद मैं अमजद भाई के क्वार्टर में था। बच्चे सब सो चुके थे, भाभी और अमजद जाग रहे थे। भाभी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और अमजद भाई मुझसे लिपट गए। इतने दिन कहाँ रहे मंसूर, हम तो तुम्हारे बारे में बस। कुछ कहते कहते अमजद भाई खामोश हो गए। मुझे अंदाज़ा है कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वैसे यहाँ के हालात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। हाँ, कोई ख़ास बात नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुन सका। इस दौरान तुम खुद भी नज़र नहीं आए और ना ही तुमसे मुलाकात का कोई ज़रिया निकला, इसलिए मैंने सोचा शायद तुम किसी हादसे का शिकार हो गए हो। मैं कर भी क्या सकता था बेटे, मैं क्या कर सकता था। कुछ नहीं अमजद भाई, मुझे अंदाज़ा है, बहर तो मैं शहर में नहीं था वरना आपसे ज़रूर मिलता। कहाँ चले गए थे, हादसाते ज़माना जाने कहाँ कहाँ लिए फिरते रहे, तफसील क्या बताऊँ, बस समझ लें कि खैरियत से वापस आ गया हूँ। लेकिन अमजद भाई, मेरी वापसी राज में रहनी चाहिए। फिक्र मत करो, तुम अमजद से ऐसी तवक्का क्यों करते हो, ये बात नहीं बस तस्करतन कह दिया है। ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। वैसे हालात कैसे चल रहे हैं, उन लोगों का कोई पता चला। अभी नहीं अमजद भाई, अभी मेरी दुआओं में वो असर पैदा नहीं हुआ जो अर्श को हिला देता है, लेकिन एक ना एक दिन वो दोनों मुझे ज़रूर मिल जाएंगी, खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा। कहाँ मुकीम हो। कोई ख़ास जगह नहीं, आपसे जब भी रابطہ कायम करना हुआ तो खुद ही कोशिश करूँगा। आप इंतहाई एहतियात से मेरा काम करते रहिए, मैं जानता हूँ कि सैयद जब्बार के ख़ास आदमी होने की हैसियत से आपको माली मुश्किलात पेश ना आती होंगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये एहसास होने लगा है कि मेरे बहन भाई बड़े हो गए हैं, उनके अखराजात भी आप पर आ पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें आला तालीम दिलाएं। मेरे पास बहुत से पैसे बेकार पड़े हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पेश करने की जसारत करूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे। नहीं बेटे, नाराज़ तो नहीं होंगे, लेकिन तुमसे कुछ लूँगा भी नहीं। अगर तुम मुझे कोई बड़ी रकम देते हो तो वो मेरे लिए नुकसान का बाइस बन सकती है, क्योंकि सेठ जब्बार को शुभा हो जाएगा कि जो कुछ वह देता है मेरी हैसियत उससे आगे बढ़ गई है, गोया मेरे लिए खतरात बढ़ जाएंगे, अमजद भाई ने कहा। ठीक है, जो आपका हुक्म, अगर कभी आपको कोई ज़रूरत पेश आए तो मुझे नज़रअंदाज ना करें। हाँ, ये मेरा वादा है। तारिक के बारे में कोई इत्तला मिली, अभी तक नहीं, वो लंदन ही में है, वैसे खैरियत से है और अक्सर उसके टेलीफोन सेठ जब्बार को आते रहते हैं। सेठ जब्बार का कारोबार उसी रफ्तार से चल रहा है। हाँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अमजद भाई ने जवाब दिया। इससे ज़्यादा के हालात तो आपको मालूम नहीं होंगे, मेरी पोजीशन का ख्याल रखो, जिस कदर मेरी हैसियत है इतना ही मुझे मालूम हो सकता है। चोरी छुपे कभी कुछ सुनने की कोशिश करता रहता था, तुम नहीं मिले तो मैंने ये कोशिश भी तर्क कर दी, अब तुम कहो तो ये कोशिश फिर शुरू कर दूँ। हाँ अमजद भाई, इत्तलात जमा करते रहिए, मैं आपसे रابطہ कायम करता रहूँगा, मेरे लिए आपकी यहाँ मौजूदगी बेहद कीमती है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मालूम हो सका मैं उसे अपने जहन में महफूज रखूँगा, अमजद भाई ने कहा। भाभी इस दौरान चाय बनाकर लाई थी, मैं चाय पीकर कुछ देर बाद वहाँ से चल पड़ा और खासी रात गए अपनी कयाम गाह पर पहुँचा। बहरोज शायद सो चुका था, मैं भी अपने ख्वाब गाह में दाखिल होकर लेट गया। आज की काविशों से मुझे कदर सुकून मिला था, हालांकि अभी अय्याज का मामला जहन में अटका हुआ था, ना जाने उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। बहर सूरत तगलू खान को तलब करके अय्याज के बारे में मालूमात हासिल करने की हिदायत करूँगा। दूसरी सुबह मैं देर से जगा, होसल से फारिग होकर बाहर आया तो बहरोज मुंतजर बैठा था, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। सॉरी जीत, रात को तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गया था, ना जाने कैसे नींद आ गई, हालांकि सोचा तो ये था कि जब तुम आ जाओगे तभी सोऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। हजूरे वाला, अगर तुम मुझे जागते हुए मिलते तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाता, मैंने कहा। बहरोज हंसने लगा। दरअसल मैं तुम्हारी कार गुजारी जानने के लिए भी तो बेचैन था चीफ, कोई ख़ास बात नहीं हुई, गुल से मिला, उससे मालूमात हासिल की, उन्होंने कुछ और एहसानात मेरे वजूद पर लाद दिए हैं। अपना सब कुछ फरोख्त करने के बाद वह एक छोटे से बंगले में रहते हैं, ऐसे बंगले में जो उन्होंने अपने मुलाजमीन को दे रखे थे, लेकिन एक ख़ास मकसद की खातिर उन्होंने अपनी हैसियत बदल ली है और मुआशरे के 3 नंबर लोगों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने एहसार मेरे लिए किया है। छोड़ें, किन उलझनों में फंस गए, अब बार बार उस लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा, वो लोग जो कुछ कर चुके हैं वो हो चुका है, ये सब कुछ उन्हें लौटा दिया जाएगा, अब हमें क्या करना है, बहरोज ने दरियाफ्त किया। आओ नाश्ता करें, मेरा ख्याल है मुझे देर हो गई है, मैंने कहा। हम नाश्ते के कमरे में पहुँच गए, नाश्ते से फारिग होकर मैंने बहरोज के ज़रिए फीनी को बुला लिया, वो जैसे मेरी ही मुंतज़र थी, फ़ौरन आ गई, चेहरा बदस्तूर संजीदा था। हैरत थी, ये लड़की जब मुझसे पहली बार मिली थी तो बड़ी शोखो शंग नज़र आती थी,
लेकिन इसके बाद उसने ऐसा चूल्हा बदला था कि फिर कभी मुस्कुराई भी नहीं थी। उसने मशीनी अंदाज में मुझे सलाम किया और फिर अपनी बुक लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आज का दिन जनाबे आली किसी खास अहमियत का हामिल नहीं है। कल आपसे कुछ और लोग मिलने आएंगे जो सेक्शन नंबर 2 से ताल्लुक़ रखते हैं। आने वालों की तादाद 12 है और वो कल आपसे 11:30 बजे मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात 1 बजे तक जारी रहेगी, फीनी ने बताया। अच्छा फीनी, शुक्रिया। तगलू खान को मेरे पास भेज दो। जी बेहतर, मैं फ़ोन करके उसको आपके पास भेज देती हूँ, फीनी ने जवाब दिया और फिर मेरी जानिब सरसरी निगाह से देखकर पूछा, इसके अलावा और कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया, मैंने भी खुश और सपाट से अंदाज में जवाब दिया और फीनी गर्दन खम करके चली गई। बहरोज खामोशी से उसे जाते हुए देख रहा था, फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मंसूर साहब, इस लड़की के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बहरोज ने कहा। सुभान अल्लाह, अब लड़की पर भी गहरी निगाह रखी जाने लगी है। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये कुछ कबीदा खातिर है। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया मोहतरम? मैंने पुरमज़ाह अंदाज में दरियाफ्त किया। बस निगाह की बात है, आप शायद उसे निगाह भर कर देखते भी नहीं, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर गौर किया है। मेरा ख्याल है बहरोज़, तुम अपने मशागल तब्दील कर दो, इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। वो अगर कबीदा खातिर है तो होगी, अगर उसे कोई शिकायत है तो उसे हमसे कह देना चाहिए। हमारे पास इन फजूल बातों के लिए गुंजाइश कहाँ है? बहरोज़ खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फीनी ने तगलू खान के आने की इत्तला दी और मैंने ड्राइंग रूम में उससे मुलाकात की और अपना माजी और ज़मीर बताते हुए कहा, मैं इस बार तुमसे एक ज़ाती काम से मिल रहा हूँ तगलू। खान चमन के पास एक लड़का अयाज था, वो लॉन्च पर मेरे साथ गया था और बाद में चमन उसे अपने साथ वापस ले आया था। मैं उसके बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। बेहतर है प्रिंस, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके बारे में इतला फ्राहम कर दूंगा। चमन से कुछ मालूम करने में दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं जनाब, मैंने उससे मजीद गहरी दोस्ती कर ली है, तगलू खान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो चला गया तो मैं बेचैनी से उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो गया था। तकरीबन 50 मिनट बाद तगलू खान की कॉल मिली। बुरी खबर है सर, अयाज जिंदा नहीं है। चमन के कहने के मुताबिक उसने खुदकुशी कर ली थी, तगलू खान ने कहा। और मेरे जहन में खौफनाक गड़गड़ाहट होने लगी। मेरी आंखों के सामने खून की चादर सी फैल गई और दिमाग तारीख हो गया। मेरा जहन शदीद गैज़ो गज़ब का शिकार हो गया और मेरा रुआ रुआ इंतकाम लेने को पुकारने लगा। दूसरी तरफ से तगलू खान टेलीफोन पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। रिसीवर पर मेरे हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुमकिन था रिसीवर टूट ही जाता। मैंने उसे आहिस्ता से टेबल पर रख दिया। आंखों की बेनाई जैसे ख़त्म हो चुकी थी, दिल एकदम से डूबने लगा। अय्याज के साथ रफाकत का एक एक लम्हा याद आ रहा था। उसने ऐसे वक्त मुझे एक भाई का प्यार दिया था जब सारी दुनिया मेरी निगाहों में तारीख थी। प्रोफेसर शेराजी और सुरखाब बेशक उस वक्त मेरे मुआवन और हमदर्द बन चुके थे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान एक तबकाती दीवार कायम थी और उनके इंतहाई खलूस के बावजूद मैं उनसे इस बेतकल्लुफी और बेख्तियारी से वो बातें नहीं कर सकता था जो मेरे दिल के निहां खाने में महफूज थी। ऐसे लम्हात में अय्याज मुझे मिला और मेरे दिल की किताब उसके सामने खुल गई। मुझे वो लम्हात आज तक याद थे। अय्याज को अपनी कहानी सुनाने के बाद मुझे किस कदर सुकून हुआ था। मैं जानता था कि एक दिलदार मेरे सामने है और अय्याज ने जिस अंदाज में मेरी दिलजोई की थी उसे भी मैं ताहयात नहीं भूल सकता था। उसने कितने खलूस दिल से अम्मी और फरीदा की बाजियाबी के लिए दुआएं मांगी थीं। हमेशा वो यही कहा करता था कि मंसूर भाई, अम्मी और फरीदा जिस दिन मिल गईं उसी रोज़ से हम अपने रास्ते बदल देंगे और शरीफ लोगों की मानिंद ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर वो तबई मौत मर जाता या किसी हादसे का शिकार हो जाता तो शायद मेरे गम की ये कैफियत ना होती। लेकिन तगलू खान ने जो कुछ बताया था वो बजाते खुद एक तवील कहानी बनकर रह गई थी। मेरी दानिस्त में अय्याज की खुदकुशी ऐसी दर्दनाक कैफियत थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। मैं जानता था कि अय्याज ने खुदकुशी क्यों की होगी। चमन उसे वहाँ से ले आया होगा। मैं चमन जैसी सरिश्त के लोगों को अच्छी तरह समझ गया था। अय्याज ने उसे एहतजाज किया होगा और चमन ने अपनी शातिराना चालों से उसे मजबूर कर दिया होगा कि वो खुदकुशी कर ले। अय्याज, अय्याज, मेरा दिल अंदर से चीखने लगा। शायद मेरी आंखों से आंसू भी रवा हो गए थे। इसी आलम में महरोज अंदर आ गया। मेरा रुख उसकी जानिब नहीं था और मैं कुछ इस तरह ख्यालात में गुम था कि बहरोज़ को मेरी इस कैफियत का इल्म ना हो सका। वो मेरे बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। तब मुझे उसके कदमों की आहट महसूस हुई और उसी वक्त बहरोज़ की आवाज़ सुनाई दी। मंसूर साहब,
आपने जिस जिंदगी में कदम रखा है उसमें तो हर लम्हा सीमा पे सिफ्त होना जरूरी है, और आप इस तरह गुमसुम बैठे हुए हैं कि आपको मेरे आने की खबर भी ना हुई। नहीं मोहतरम, ये इस्तगराक नहीं चल सकेगा। उसने बेतकल्लुफी से मेरे दोनों शानों पर हाथ रखकर मुझे अपनी तरफ घुमाया। मैंने लाख उससे अपनी कैफियत छुपाने की कोशिश की, लेकिन बहरोज ने मेरी सूरत देख ही ली और फिर वो इस तरह चौंका जैसे उसे बिजली का बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा हो। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए हैरत से फैल गईं और फिर उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी लरसती हुई आवाज़ उभरी, मंसूर, मंसूर साहब। कुछ नहीं बहरोज, कुछ नहीं, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी है। क्या हुआ, क्या हुआ मंसूर, खुदा के लिए जल्दी बताओ। मेरी आंखों में आंसुओं की रवानी तेज़ हो गई। अरे अरे मंसूर साहब, प्लीज़, ये क्या हो रहा है? खुदा की कसम, ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि शोलों से बनी हुई ये आँखें आंसुओं की नमी भी रखती हैं। आपकी आंखों में आंसू? ताज्जुब है, वो कौन सी ऐसी खबर है? खुदा के लिए मुझे बताइए मंसूर साहब, प्लीज़, मैं आपकी आंखों की ये नमी नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहरोज आलम बेख्तियारी में अपनी असलियत खोल गया था। मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, फिर आस्तीन से आंसू खुश्क कर डाले और बहरोज की कलाई पकड़कर कहा, बहरोज मेरा दोस्त मर गया, अयाज मर गया। ओह ओह, क्या क्या तगलू खान ने? हाँ, तगलू खान ने अभी मुझे फ़ोन पर इतला दी है। ओह मंसूर, मुझे बड़ा ही दुख हुआ है, यकीन करें मुझे बेहद दुख हुआ है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक सच्ची गमगुसारी है। शुक्रिया बहरोज, यकीन करो मैं नहीं कह सकता कि मेरे दिल की क्या कैफियत हुई है। शायद मेरा सगा भाई भी मर जाता तो मुझे इतना दुख ना होता। वो जेब तराश था लेकिन उसके सीने में इतना खूबसूरत दिल था कि मैं बयान नहीं कर सकता। काश उसके साथ ये ना होता। और फिर शायद तुम्हें ये मालूम करके मज़ीद दुख होगा बहरोज, कि वो तबई मौत नहीं मरा बल्कि उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी? बहरोज चौंक कर बोला, हाँ खुदकुशी, और ये खुदकुशी यकीनन मेरे लिए होगी बहरोज। मैं जानता हूँ कि वो मेरे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता था, उसे खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया गया होगा। बहरोज मेरी शक्ल देखता रहा और फिर उसने मेरे शानों पर हाथ रखते हुए कहा, काश मैं इस गम को बांट सकता। मुझे बताओ मंसूर, मैं क्या करूँ? ओह कुछ नहीं, मैं तन्हाई चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ बहरोज। अगर तुम बुरा माने बगैर मुझे इसका मौका दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। बहरोज चंद साथ मेरी सूरत देखता रहा और फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छी बात है मंसूर, लेकिन मेरी गुजारिश है कि खुद को संभालिए। फिर वो इस अंदाज से बाहर गया जैसे जाना ना चाहता हो। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरा गम बांटना चाहता है। मेरा जी चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं। बहरोज दरवाजे से बाहर गया ही था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा, और रोने से जो सुकून महसूस हुआ मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ना जाने कब तक ये कैफियत बरकरार रहती कि किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। मोहब्बत भरा लम्स था। मैं चौंक पड़ा, देखा तो प्रोफेसर शेराजी निगाहों के सामने था। मैं फ़ौरन संभल गया। एतराफ में और भी लोग खड़े थे, उनमें सुरखाब, गुल और पीनी भी थीं। अरे अरे, आप लोग कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चल सका, मैंने कहा। प्रोफेसर शेराजी ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगे, आओ यहाँ से निकलें, किसी दूसरे कमरे में चलकर बैठेंगे, यहाँ बड़ी घुटन महसूस हो रही है। जी जी, चलिए चलिए, मैंने कहा। भाई मंसूर, पहले मुंह हाथ धो लीजिए। फीनी, सबसे पहले आप कॉफ़ी बनवा लीजिए प्लीज़, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे, सुरखाब बोली। फीनी ने अदब से कहा और बाहर निकल गई। तब सुरखाब, गुल और प्रोफेसर शेराजी मुझे लेकर बाहर आए। रास्ते में एक जगह लगे हुए बेसन पर सुरखाब ने इस तरह मेरा मुंह धुलवाया जैसे बच्चों का मुंह धुलवाया जाता है। उसके अंदाज में बेपनाह प्यार था और उसके हाथों का नरम लम्स मुझे अपनी आंखों की जलन पर बड़ी ठंडक दिए जा रहा था। फिर उसने तौलिए से मेरा चेहरा खुश किया। हरचंद कि यह अंदाज मुझ जैसी फितरत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन उस वक्त दिल यही चाह रहा था कि बच्चा बन जाऊं, कोई मुझे अपनी आगोश में उठा ले और पैदल भी ना चलने दे। बहरतौर मैं उन लोगों की मोहब्बतों के दरमियान सिमटा हुआ उस कमरे में आ गया जो एक प्राइवेट रूम के तौर पर तरतीब दिया गया था। सुरखाब ने मुझे सोफे पर बिठाया और खुद मेरे साथ लगकर बैठ गई। गुल और प्रोफेसर शेराजी सामने सोफों पर बैठ गए। सबके चेहरे संजीदा और गमनाक नज़र आ रहे थे। फिर प्रोफेसर ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था मंसूर कि इन हालात में आने के बाद भी तुम इतने कच्चेपन का सबूत दोगे। जी मैं समझा नहीं प्रोफेसर, मैंने ताज्जुब से कहा। अय्याज की खबर बहरोज ने मुझे दी थी और ये भी कहा था कि उसकी मौत की खबर सुनकर तुम्हारी क्या कैफियत हो गई है। ओह अफसोस प्रोफेसर,
आप लोगों को इस बात से अजियत हुई? नहीं, हरगिज़ नहीं। अय्याज़ की मौत शायद इस तरह कोई भी महसूस ना कर सके जिस तरह मैंने महसूस की है। बदकिस्मती से मैंने इंसानी नफ्सियात पर गहरी रिसर्च की है और मैं लहू के उस मजमूए की कैफियत जानता हूँ जिसे दिल कहते हैं। अय्याज़ का कुर्ब तुम्हारे लिए जो हैसियत रखता था, शायद मेरे अलावा और कोई उसे सही तौर पर महसूस ना कर सके। चनाचा मैं तुम्हारे गम की कैफियत से वाकिफ हूँ और समझता हूँ। अगरचे महज अल्फाज के सहारे सब्र की तलकीन बेमायनी है, लेकिन इंसान अपने जिस्म के किसी एक उजू के नाकारा हो जाने से बाकी एज़ा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हम सभी तुम्हारे जिस्मो जान हैं, तुम्हारे एज़ा हैं। अय्याज़ हम में से एक था। खुद को संभालो मंसूर, तुम ठोस इंसान बनकर दुनिया के सामने आ चुके हो, इसलिए ये आंसू तुम्हें जेब नहीं देते। मैं जानता हूँ प्रोफेसर, मैंने कहा और सुरखाब की तरफ मुतवज्जा हो गया जो कह रही थी, मंसूर भैया मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती, खुदा की कसम। अगर अब आपकी आंख से एक भी आंसू निकला तो? नहीं सुरखाब, लेकिन मैं प्रोफेसर से ये ज़रूर पूछूंगा कि मुझे चमन के साथ क्या सलूक करना चाहिए। प्रोफेसर इस सवाल पर चौंक पड़े, चंद साथ मुझे देखते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत ऊद कर आई। तुम बताओ क्या होना चाहिए? उन्होंने उल्टा मुझसे ही सवाल कर डाला। प्रोफेसर मैं आपकी रहबरी चाहता हूँ, मैंने कहा। नहीं मेरे बेटे, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मुआवनत नहीं कर सकता। अलबत्ता मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुमसे पूछूं कि अय्याज़ के कातिल से क्या इंतकाम लोगे? क्या आपके ख्याल में मैं यहाँ किसी ज़र्फ का सबूत दूंगा? मैंने सवाल किया। नहीं, ज़र्फ की एक हद होती है। बिलाशुबा बाज़र्फ लोग घटिया हरकतें नहीं करते, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो अपने गमों को भी ज़र्फ की कब्र में दफन कर दें, प्रोफेसर शेराज़ी ने कहा। आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं प्रोफेसर? तवक्को नहीं, अगर तुम आम हालात में मुझसे मशवरा मांगते तो मैं यही सोचता कि चमन से ऐसा इबरतनाक इंतकाम लिया जाए कि वो मरने के बाद भी उसको ना भूल सके। मेरा भी यही ख्याल है प्रोफेसर, मैं चमन को इस तरह कत्ल करूंगा कि दरिंदगी की तमाम मिसालें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, मैंने कहा। क्या मतलब? क्या तुम मसलिहतों के लिबादे में आकर अपना फ़र्ज भूल जाओगे? प्रोफेसर ने सवाल किया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं प्रोफेसर, मैं अपना फ़र्ज नहीं भूल जाऊंगा, लेकिन आप जो इम्तिहान मुझसे ले रहे हैं मैं उस पर भी पूरा ही उतरूंगा। इम्तिहान? प्रोफेसर ने बज़ाहिर चौंक कर कहा। हाँ प्रोफेसर, आप जानना चाहते हैं कि हालात ने मुझे क्या कुछ बख्शा है? मेरी सोच इतनी ही सतही है या इसमें कुछ पुख्तगी भी पैदा हुई है? बहरहाल मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं बहुत संभल गया हूँ। अय्याज़ की मौत ने मेरे सीने पर एक गहरा घाव लगाया है, लेकिन मैं पिस्तौल लेकर दौड़ता हुआ चमन के यहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अब चमन मेरे सामने एक निचले दर्जे का बदमाश है और उसे कत्ल करने के लिए मुझे अपने जूतों के तलवे इस्तेमाल करने आते हैं, पिस्तौल या चाकू नहीं। मैं उसे जूतों ही से कुचल कर मारूंगा, लेकिन वक्त आने पर मैंने खाता खोल लिया है। मैंने हर शख्स का खाता खोल लिया है और इस खाते में चमन पर अय्याज़ की मौत भी उधार हो गई है। मैं उससे ये कर्ज इस तरह वसूल करूँगा कि दुनिया देखेगी। गुड, वेरी गुड। मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि मैंने तुम पर अपना वक्त ज़ाया नहीं किया। मुझे खुशी है कि मैंने जो मीनार तामीर किया है वो इतना सरबुलंद और इतना मजबूत है कि उसके ऊपर खड़े होकर दुनिया देखी जा सकती है। लेकिन मंसूर, सुना है कि तुम रोते रहे हो, तुम्हारी आंखें अब भी थोड़ी सी मुतवर्रिम हैं। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहता। प्रोफेसर आप इंसानी फितरत को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? हमारे पास दिल का दुख निकालने का एक ही तो जरिया है जो कुदरत की तरफ से बख्शा गया है। अगर इंसान आंसू भी ना बहा सके तो उसका दिल फट जाएगा। प्रोफेसर खामोश रहा। गुल इस दौरान खामोश रही थी। जब सब खामोश हो गए तो उसने कहा, आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओगे, मैंने इंतज़ाम कर लिया है। सुरखाब ने भी चंद चीज़ें पकाई हैं, चलो हम तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। और हम बहरोज समेत चलने के लिए तैयार हो गए। एबिक स्क्वायर के बंगला नंबर 9 में दाखिल होकर हमें एहसासात का मादा हर लम्हे एक नई कैफियत से दोचार होने लगा। प्रोफेसर शेराजी का तर्ज ज़िंदगी देख चुका था, गुल की रिहाइशगाह भी मेरी निगाह में थी, और इन दोनों चीज़ों को जहन में रखने के बाद जब इस बंगले को देखा तो दरहकीकत ये उनके मुलाजमीन के क्वार्टर्स की मानिंद मालूम होता। एहसार करने वाले अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसार कर चुके थे और उनके एहसानात को कबूल ना करना बेइंसाफी थी। गुल ने सुरखाब को साथ लिया और बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ी। गोया ये अय्याज़ की ताज़ियत का वो हिस्सा था जहाँ वर्सा को अपने साथ खाना खिलाया जाता है। थोड़ी ही देर बाद खाना लग गया और प्रोफेसर मेरा हाथ पकड़ कर खड़े हो गए। खाने की मेज़ पर सादा सा लेकिन बेहद लजीज खाना मौजूद था। मैंने दिल ना चाहने के बावजूद उनकी दिलजोई के लिए कुछ खाया और खाने के बाद उसकी तारीफ भी की। फिर मैंने प्रोफेसर से पूछा, अब ये फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है? भाई अब तुम अहकामात की मंजिल से गुजर चुके हो,
बल्कि अब तो हम सब तुम्हारे अहकामात के मुंतजर रहते हैं। हमारी जो भी हैसियत है उसे इसी तरह रहने दो और हमारे मुतालिक सोचना छोड़ दो। सुना है कल तुम एक और मीटिंग कर रहे हो। उस मीटिंग के बाद मेरा ख्याल है तुम्हें अपने अमल का आगाज कर देना चाहिए। ऐसा ही होगा प्रोफेसर, आप मुतमईन रहें, मैंने कहा। काफ़ी देर तक हम लोग खुशगपियाँ करते रहे। दिल में जब भी अयास की याद उभरती पूरे वजूद में दर्द की लहरें दौड़ जाती। मेरा बदन कांपने लगता था और एक गोला सा हलक में आकर फंसने लगता था, लेकिन मैं खुद पर काबू पाए रहा। और फिर काफ़ी रात गए, मैंने वहाँ से वापसी की इजाज़त मांगी। मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगी, गुल ने बड़े एतमाद से कहा। मैंने गर्दन हिला दी। गुल मेरे साथ ही बाहर निकल आई। प्रोफेसर शेराजी और सुरखाब ने मुझे खुदा हाफिज़ कहा था। बहरोज़ पिछली नशस्त पर बैठ गया और मैं गुल के साथ अगली सीट पर। मैं नहीं जानता था कि गुल बहरोज़ की मौजूदगी को किस अंदाज में महसूस करेगी। बहरतौर वो खामोशी से ड्राइव करने लगी। मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ मंसूर, मैं इस कदर मुअत्तिल हो गई हूँ कि मुझे अपनी तबीयत बोझल महसूस होने लगी है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी मुतहरिक रखो। तुम ही बताओ कि तुम्हारे लिए कौन से रास्तों का तायुन करूँ। हाँ, गुल एक ख्याल और जहन में आया है, दफ़तन मैंने चौंक कर कहा। वो क्या? गुल ने सवाल किया। तुमने बताया था कि अजमत को तुमने मेरी फैक्ट्री में एक मुनासिब ओहदा दिया है। हाँ, वो दिलावर सूप एंड प्रोडक्शन मैनेजर है। उसके वालिदैन और बहन वगैरह सब ठीक है। गालिबन छोटी बहन की शादी कर रहा है वो, कोई रिश्ता तय कर लिया है उसने। बहुत खूब, उसकी बहन की शादी में भरपूर हिस्सा लेना गुल। हाँ तो मैं जो ख़ास बात तुमसे कह रहा था वो थी राशदा। अभी तक मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकी। ओह राशदा, वाकई तवील अरसे से ना तो उससे मुलाकात हुई और ना ही उसके बारे में मालूमात हासिल हुई, गुल ने जवाब दिया। सुरखाब को भी नहीं? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि नहीं, सुरखाब के मामलात मेरे इल्म में हैं। अमूमन हम दोनों साथ ही रहती हैं। वो लड़की नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं है गुल, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। तुम खुद? गुल ने चौंक कर पूछा। हाँ गुल, कुछ भी हो जाए मैं राशदा को नहीं भूल सकता। उसके तासुरात कुछ इस तरह मेरे जहन पर मुंजमद हैं कि मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता। यूं समझो कि वो भी हमारे दरमियान एक किरदार बन गई थी, लेकिन हालात ने मुझे उसकी खिदमत करने का कोई मौका नहीं दिया। बहरतौर मैं उसकी तलाश में जाऊंगा और अगर मुमकिन हो सके तो तुम खुद भी उसे तलाश करना, लेकिन अभी उससे मिलना नहीं, मैंने कहा। ठीक है, मैं कल ही सिलसिले में कोशिश करूँगी, गुल ने जवाब दिया। एक बात बताओगे मंसूर? हाँ हाँ ज़रूर। क्या राशदा उन हालात में जिन हालात में वो तुमसे मिली थी तुम्हारे जहन में और कोई तासुर छोड़ गई है? उस तासुर से तुम्हारी क्या मुराद है गुल? भाई ऐसे सवाल मत करो, मैं कोई भी लफ्ज़ गोलमोल अंदाज में नहीं कह रही हूँ। वो लड़की उस वक्त मेरे साथ अपने घर जाती थी जब मैं तुम्हारे यहाँ एक ड्राइवर की हैसियत से मुलाजिम था। रास्ते में उसने मेरी सिमत बढ़ने की कोशिश की, हरचंद कि एक ड्राइवर का कोई मैार नहीं होता, लेकिन राशदा एक शरीफ सहारे की तलाश में थी। लेकिन यह सहारा उसकी अपनी तलब नहीं था बल्कि उसके माहौल की तलब था। बड़ी बेसहारा लड़की थी वो गुल, मैंने उसे अपने दिल में महसूस किया। मैंने उसका जायज़ा लिया तो उसके दिल में सिर्फ एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने की गुंजाइश पाई और किसी शरीफ आदमी की तलब ने उसे इसके लिए मजबूर किया था कि वो मेरी जानिब बढ़े। लेकिन मेरे हालात मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते थे गुल कि मैं आगे बढ़कर उसके लिए कुछ करता। तहम वो एकदम ये ना होता कि मैं उससे शादी कर लेता। ये जज्बा मैंने कभी भी उसके लिए अपने सीने में नहीं पाया। अलबत्ता ये ज़रूर सोचा मैंने कि काश मैं उसके लिए बेहतर ज़िंदगी का बंदोबस्त कर सकता। तो गुल आज भी जब उसे याद करता हूँ तो वही तासुर मेरे जहन में उभर आता है। इसी से तुम अंदाज़ा लगा लो कि मेरे दिल में उसके लिए क्या गुंजाइश पैदा हुई थी। यकीनन यकीनन। बस मंसूर, मैंने ये सवाल कर लिया तुमसे, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं थी और ना ही मेरे इन अल्फाज में कोई गहराई है। हाँ हाँ ठीक है, सोचने को तो मैं और भी बहुत कुछ सोचता हूँ गुल, मैंने कहा। क्या? गुल ने एक लम्हे के लिए विंडो स्क्रीन से निगाहें हटाकर मुझे देखा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कुछ महजूब सी हो गई। इतनी उम्र रसीदा ना थी गुल कि वो एहसासात उसके सीने से निकल गए होते जो इंसानी फितरत होती है। मेरी इस मुस्कुराहट से उसने ना जाने क्या क्या नतायज अखस किए, फिर आहिस्ता से बोली, बताया नहीं तुमने? भाई मेरा ख्याल है हमारा दोस्त बहरोज़ बहुत खामोश बैठा हुआ है। बहरोज़, तुम खुद भी इस गुफ्तगू में शरीक क्यों नहीं हो जाते? मौका निकाल रहा हूँ। लेकिन तुम लोग मौका ही नहीं देते, बहरोज़ ने पुरमज़ाह अंदाज में कहा और हम दोनों हंसने लगे। बहरोज़ तुम्हारी आवाज़ इतनी शीरी है कि बयान से बाहर है, हालांकि तुम्हारा चेहरा इस बात का गमाज नहीं कि तुम बहुत ही कमसिन हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारे खदोखाल की अनोखी सी मासूमियत वाह मुखवाही जहन को भटका देती है, गुल ने कहा।
अरे अरे भाई गुल, अब बहरोज के साथ ये सलूक भी मुनासिब नहीं, मैंने हंसकर कहा। तो गुल और बहरोज भी हंसने लगे। फिर बहरोज ने कहा, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, इशारों किनायों की यह ज़ुबान मुझे बहुत पसंद आ रही है, हरचंद कि मैं इस पर वकार नहीं हो सका अभी तक। खैर कोई बात नहीं है, बस समझ लेना ही काफ़ी है, मैंने पुरमज़ाह अंदाज में कहा। तो फिर गुल साहिबा के बारे में आपने जो कुछ कहा था वो बात गोल हो गई, और गुल साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से मौजू मेरी तरफ मुंतकिल कर दिया। बहरोज ने कहा, देखा तुमने गुल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहरोज कमसिन होने के बावजूद किस कदर चालाक है, आखिर तुम्हारा साथ ही है मंसूर, गुल ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। ठीक है तो मैं ये कह रहा था कि अब तुम भी कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारोगी। अरे अरे ये तुम पर सबकी ज़िंदगियां संवारने का भूत क्यों सवार हो गया, गुल ने हंसते हुए कहा। भाई गुल, मैं तुम्हारे साथ एक अदना मुलाजिम की हैसियत से रह चुका हूँ, लेकिन इसके बाद तुमने मुझे इतनी बुलंदियाँ दी कि मैं तुम्हें कभी आपसे और कभी तुमसे मुखातिब करने लगता हूँ। जब आप कहता हूँ तो मेरे जहन में वो तासुर होता है जब मैं ड्राइवर था, और जब तुम कहता हूँ तो तुम्हारी वो तमाम रफाकतें मेरी निगाहों के सामने होती हैं जिनके बाद तुमसे अजनबियत महसूस करना गुनाह लगता है। ये दूसरा तासुर ही ठीक है, हम दोनों बेतकल्लुफ साथी हैं। तुम जब भी मुझे आप कहते हो तो मुझे नागवार गुजरता है, और मैं महसूस करती हूँ कि शायद मेरी ज़ात में ही कोई खामी रह गई है। बात पलटने की बिल्कुल नहीं हो रही, अब ये बताओ कि तुमने अपने बारे में क्या सोचा है। कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो कुछ मैं हूँ, जिस अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, मेरे लिए इंतहाई इत्मीनान बख्श है। मैं नहायत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सुरखाब, प्रोफेसर शेराजी, तुम, बहरोज और जितने लोग मुझे मेरे अपने इस माहौल में मिल गए हैं, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवार दिया है। वो तन्हाइयाँ दूर हो गई हैं मेरे वजूद से, जो मैं अपनी आलीशान कोठी में महसूस करती थी, और इसके बाद अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। मगर गुल, इंसानी फितरत तो बहुत कुछ चाहती है मंसूर, लेकिन ये चाहतें हमाकतें होती हैं, हमें अपने दिलों पर इख्तियार नहीं होता, और ये दिल कमबख्त तो ना जाने कहाँ कहाँ भटकने लगता है। अब इस भटकने वाले आवारा गर्द पर कौन तवज्जा दे। गुल के लहजे में कर पैदा हो गया। मुझे अजमत और अय्याज की वो बातें याद आ गईं, जिन्हें याद करके मेरे जहन में फिर अय्याज का तसव्वुर पैदा हो गया। गुल ने भी खामोशी ही मुनासिब समझी थी, क्योंकि मौजू ही ऐसा छिड़ गया था जो उसकी दुखती रगों को छूता था। बहरोज ने हम दोनों की खामोशी महसूस करके खुद भी खामोशी अख्तियार कर ली, और इस तरह हम कोठी तक पहुंच गए। गुल ने उस वक्त कोठी में आना मुनासिब नहीं समझा था, चनाचा वो दरवाजे ही से लौट गई। रस्मी अल्फाज के बाद उसने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी थी। बहरोज मेरे साथ अंदर की तरफ चल पड़ा। ताहिर और आज़म बरामदे में टहल रहे थे, उनके करीब से गुजरते हुए रुका और आज़म से कहा, कोई ख़ास बात तो नहीं है आज़म? नहीं जनाब, हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तगलुक खान तो नहीं वापस आया? नहीं जनाब। कोई टेलीफोन? जी कोई नहीं, आज़म ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, और बहरोज के साथ आगे बढ़ गया, जो निगाहें नीचे किए चल रहा था, लेकिन बार बार उसके पतले हसीन होंठ मुस्कुराहट के से अंदाज में खींच जाते थे। मैं उसका बाजू पकड़कर अपने कमरे में ले आया। क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैंने सोफे में धंसते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस आपकी और गुल की बातें याद आ रही थीं। तो उन बातों में मुस्कुराहट का मौका कहाँ था, मैंने उसे घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। वैसे मंसूर, आपकी शख्सियत बड़ी अजीब है, मैं तो यहाँ आकर बड़े मखमसे में फंस गया हूँ, जिसे देखो आपकी जानी मुतवज्जा नज़र आता है। हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं ही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहरोज ने कहा। तुम उड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या सोच रहे थे गुल के बारे में? मेरे ख्याल में गुल आपको चाहती हैं, बहरोज ने बेतकल्लुफी से कहा, और मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें यकीन है? हाँ, लेकिन कैसे? अगर आप इस यकीन को बेबुनियाद समझते हैं तो फिर यह सवाल बेमायने सा होगा। क्यों? इसलिए कि मैं इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। हाँ भाई, मैं तुम्हारी इस हैसियत को तो चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे इन अल्फाज पर बहरोज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हया और मुस्कुराहट उभरी, लेकिन दूसरे लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। फिर वो काफ़ी देर तक मुझसे बातें करता रहा। गुल का मौजू निकला, सुरखाब की बातें हुईं, राशिदा के बारे में उसने मुझसे तफसीलात पूछी, और उन्हें सुनकर मुस्कुराने लगा। राशिदा के बारे में कोई ख़ास बात सोची है आपने? हाँ बहरोज, यही दिल चाहता है कि जो लोग किसी भी तरह अपनी कर्बनाक ज़िंदगी लेकर मेरे सामने आ चुके हैं, उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर दूँ। मेरे जहन में एक नया मंसूबा आया है, बहरतौर अभी इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।
ना जाने बेचारी राशिदा किस हाल में है। वैसे ताजुब है, इन लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, ख़ास तौर से सुरखाब ने। मैं उससे इस बारे में पूछूंगा। बहरोज खासी देर तक मेरे पास बैठा रहा। मैं जानता था कि वो भी मेरी दिलजोई करने का तसव्वुर जहन में रखता था, वरना उसकी आंखें नींद से सुर्ख हो रही थीं। बहरतौर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा और ख़ुद भी उठ गया। ताहम अय्यास की मौत का तसव्वुर इतना अर्जा भी नहीं था कि मैं उसे इस तरह नज़रअंदाज कर सकता। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटने के बाद अय्यास एक बार फिर मेरे सीने में ज़िंदा हो गया। अय्यास मरने वाली चीज़ नहीं था। मुझे एक एक लम्हा याद आने लगा, उसकी सारी गुफ्तगू। उसने किसी लड़की का तस्करा भी किया था जिससे वो शादी करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन कमबख्त ने एक महवर बना लिया था अपना। कहता था कि शादी उस वक्त करेगा जब अम्मी और फरीदा उसकी सरपरस्ती के लिए मौजूद होंगी। अम्मी और फरीदा नहीं मिली थी और अय्यास इस दुनिया से रुखसत हो गया था। मेरी आंखों से आंसू ढलकने लगे। मैंने उन आंसुओं को बहने दिया। उसकी खुदकुशी के बारे में गौर करता रहा। मेरा वो नज़रिया अब भी कायम था। चमन ने अय्यास को इस कदर जिज कर दिया होगा कि उसने खुदकुशी कर ली। उसने इसे बताया होगा कि मैं मर चुका हूँ। आंसू एक बार फिर शोलों में तब्दील हो गए और ना जाने रात के कौन से पहर तक मैं अय्यास के लिए बेचैन रहा। फिर नींद ने एक मेहरबान माँ की तरह मुझे अपनी आगोश में ले लिया।